आर्क्योलॉजिस्ट को दो इंपॉर्टेंट चीज है एक उसका ऑब्जर्वेशन दूसरा उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज कि आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी और डिगिंग नहीं करनी है लेकिन आपको बहुत सारे और साइंसेस के नॉलेज होने चाहिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट न लेफ्ट है न राइट है आर्कियोलॉजिस्ट जो देख रहा है सिर्फ उसकी बात करता है जो चीजें मिल रही हैं हम सिर्फ उसकी मटेरियल कल्चर की बात करते हैं ये सारे एविडेंस बेस्ड है इसमें कोई मिक्सचर के चांसेस नहीं है अगर आप ईमानदार हैं तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का कोई धर्म नहीं है सिर्फ वो आर्कियोलॉजिस्ट है और हमेशा आ, आ, हमें न्यूट्रल होना चाहिए हम जो चीज़ें हैं हम वही कहेंगे उससे बियॉन्ड कहने की कोशिश नहीं करना चाहिए आर्कियोलॉजिस्ट को इसमें कहने में किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारा जो एंसियंट जो हमारी संस्कृति थी वो अमेजिंग एडोप्टेशन ऑफ नॉलेज था और उन्होंने जो अपने सराउंडिंग से प्रकृति से जो कुछ सीखा था और उसको जिस तरह से अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया वो शायद दुनिया के और किसी कल्चर में इतना स्ट्रांग नहीं दिखता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग मतलब शायद मेसोपोटामिया में भी हमें चैरियट्स वगैरह मिलते हैं इजिप्ट में भी आ, मिलते हैं चैरियट्स ये जो चैरियट मिला ये उन चैरियट्स से कितना डिफरेंस है हमें इसके बारे में मतलब कोई इंफॉर्मेशन है मिली है हमें मेसोपोटामिया के उर के एक्सकवेशन में एक स्लैब पे कुछ इसी तरह के व्हीकल का डिपिक्शन है तो उसमें चित्रित किया गया है और वो चार व्हील पे है तो उसको कहा गया कि ये फर्स्ट वार वेपन है जो के फॉर्म में है सनौली का एक बरियल था जो जिसमें की बरियल के जो मिट्टी थी या क्ले था जो क्ले चंक था जो लिफ्ट करके लाया गया था उसके एक नीचे एक कॉपर बाउल था और करीब ट्वेंटी सेंटीमीटर एक स्केलेटन था okay. फिर उस एक्सकवेशन में जो सबसे बड़ी बात ये कि इतना बड़ा उस एक्सकवेशन में वन सिक्सटी बरियल्स मिले लेकिन साइट नहीं मिले अच्छा तो आप कहाँ से ला रहे हैं बड़ी करने के लिए भारत एक ऐसा देश जिसका इतिहास हमें लेयर अपॉन लेयर मिलता ही रहता है और इस इतिहास की खोज में अगर हम निकले तो शायद हमें ह्यूमन काइंड की पूरी स्टोरी के बारे में पता चल सकता है शायद हमें ह्यूमन काइंड के हर सीक्रेट और मिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है पर कई दशकों से कई स्कॉलर्स ने इस इतिहास को दबाने की कोशिश की है इसे वाइट वॉश करने की कोशिश की है और कई हद तक भारतीय इतिहास वाइट वॉश हो भी गया पर फिर आर्क्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक खोज ने इस पूरे इतिहास के पन्नों को बदल के रख दिया जी हाँ इस खोज ने भारतीय इतिहास को देखने के हमारे लेंस को ही चेंज कर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस खोज में पाए कई सारे दफनाए हुए और एक वॉरियर ट्राइप के बरियल भी ये इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी खोज है नमस्ते जहन मेरा नाम है जय और ये है दरा मुसाफिर शो एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ हम बात करते हैं भारत के पास प्रेजेंट और फ्यूचर की आज का एक कॉन्वर्जेशन बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस कॉन्वर्जेशन में मैं दो लोगों से बात कर रहा हूँ

यहीं से निकली अरविंद मंजुल और डॉक्टर संजय मंजुल से यह भी जाना कि आर्कियोलॉजी एक्चुअली है क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भारत के प्रोग्रेस में क्या रोल होता है मैंने उनसे ये भी जाना की भारत के इतिहास का टाइमलाइन क्या है दिस इज अ वेरी इंटेंस पॉडकास्ट एंड ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाएगा जिन्हें हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रुचि है या जिन्हें भारत के टाइमलाइन को समझना है अगर आपको ये कॉन्वर्जेशन पसंद आता है तो प्लीज लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स एंड लाइक बटन जरूर दबा देना अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे ही और कई सारे पॉडकास्ट करने चाहिए हमें भारत के पास प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए 94 परसेंट से ज्यादा लोग जो इस चैनल को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करना इज एब्सोल्युटली फ्री एंड आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नए नए एपिसोड लाने का हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है नए लोगों के साथ में कॉन्वर्जेशन करने का सो इफ यू लाइक आर वर्क एंड आप चाहते हैं कि हम इस काम को कंटिन्यू करें तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट अस सो लेट स्टार्ट दिस हिस्ट्री स्पेशल पॉडकास्ट भारतीय इतिहास स्पेशल पॉडकास्ट इन थ्री टू वन मैम सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मुसाफिर शो पे सो so, uh, हम शो स्टार्ट करें पॉडकास्ट स्टार्ट करें उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ आवारा मुसाफिर शो व्हेन इट स्टार्टेड Uh, इसका पर्पज था लोगों की जर्नीज uh, लो, पूरी दुनिया तक लेके आना और uh, ट्रैवल के बारे में बात करना एंड आज uh, हम पास्ट में ट्रैवल करने वाले आपके साथ में एंड आपकी जर्नी को जाने वाले जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है जो भी आपने मुझे अभी ऑफ द कैमरा भी बताया वो काफी इंटरेस्टिंग मुझे तो लगा ऑडियंस uh, तक भी हम वही चीज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे तो फोर्सली वेलकम ऑन द शो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच परफेक्ट सो सर मैम फर्स्ट यहीं से शुरू करते हैं कि आपकी जो ये जर्नी थी हिस्ट्री के लिए जो प्यार था आर्क्योलॉजी के लिए जो uh, एक फैसिनेशन था ये आपकी पर्सनल जर्नीस कहाँ से शुरू हुई क्यों आपने uh, ये डिसीजन लिया कि मुझे इस फील्ड में जाना है हिस्ट्री से कनेक्टेड कुछ करना है आर्क्योलॉजी से कनेक्टेड कुछ करना है अगर आप आपकी खुद की जर्नीज वो बता सकते तो दैट वुड बी ग्रेट uh, दरअसल अगर मैं अपने बचपन से अगर हम बात करते करूँ तो मेरा जो पूरा बचपन है वो म्यूज़ियम के प्रमाइसिस में गुजरा मेरे फादर रिनॉन्ड आर्टिस्ट हैं श्री राजेंद्र प्रसाद उनकी पेंटिंग्स वहाँ चंद्रधारी म्यूज़ियम है एक दरभंगा में स्टेट म्यूज़ियम है उस म्यूज़ियम में उनकी पेंटिंग रखी हुई है और उन्होंने बहुत काम महाभारत पे रामायण पे कृष्ण के बारे में उसमें काफ़ी काम उन्होंने किया बहुत रिसर्च प, प, करके बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं तो मेरा पूरा बचपन जो है म्यूज़ियम के कैंपस में गुजरा और बचपन से ही हम एंटीक्विटीज़ और उन सारी चीज़ों को देखते आ रहे थे तो एक आ, अंदर से पहले से एक इनबिल्ट वो था हालांकि मैंने ये सोचा नहीं था कि मुझे कभी आर्कियोलॉजी करना है या उस फील्ड में आना है लेकिन चूंकि और मेरा फील्ड पेंटिंग में मैंने बहुत काम किया था क्योंकि घर में माहौल था पेंटिंग का तो पेंटिंग के लिए मुझे दो बार प्रेसिडेंट से भी अवार्ड मिला ज्ञानी जैल सिंह से 83 में और उसके बाद 84 में हिदायतुल्ला थे उस समय माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे तो उनसे भी अवार्ड मिला स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप मिलता रहा पेंटिंग के लिए और काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले थे और मैंने बैचलर ऑफ आर्ट भी पेंटिंग से मैंने भी किया था तो और मैं दिल्ली जब आया तो दिल्ली एमए करने के बाद एमए इन हिस्ट्री भी मैंने किया है तो करने के बाद जब दिल्ली में आए थे तो ये सोच के आए थे कि चलो यहाँ कुछ अपने एग्जीबिशंस करेंगे अपना कुछ काम करेंगे पेंटिंग के लिए उसके काम काम करेंगे लेकिन वो टाइम बहुत स्ट्रगलिंग फेज था मेरे पास रहने की जगह नहीं थी आ, दिल्ली में तो मैं किसी एक दोस्त के यहाँ जस्ट एक छोटे से रूम में किसी तरह एडजस्ट करके हम वहाँ रहते थे और उस स्ट्रगलिंग फेज़ में मैंने एडमिशन लिया नेशनल म्यूजियम में एक इंस्टीट्यूट है नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट वहाँ म्यूजियोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लिया और लगभग आठ महीने में वहाँ रहा म्यूजियोलॉजी के क्लासेस उसी समय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है जो आर्कियोलॉजी के लिए पी पी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स करवाती है आफ्टर एमए वहाँ का एंट्रेंस दिया और ये सोच के इंट्रेंस दिया कि अगर यहाँ हम मेरा एडमिशन हो जाता है सपोज़ तो पास में मंडी हाउस है जो एक हब है आ, आर्टिस्ट के लिए भी तो अच्छा होगा और यहाँ हॉस्टल की अवेलेबिलिटी थी और एक ठीक ठाक अमाउंट का स्टेपन भी था तो ये सोच के एक्चुअल में मैं आया था और इतफाक़ से एडमिशन भी हो गया यहाँ और लेकिन पहली बार एडमिशन के बाद धौलावीरा एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में हरप्पन साइट है वहाँ एक्सकवेशन में जाने का मौका मिला और वहाँ हमारी ट्रेनिंग हुई और उसके बाद से आर्कियोलॉजी के प्रति एक ऐसा पागलपन हुआ कि उसके बाद कभी मुड़के नहीं देखे कि आ, क्या करना है और वहीं आ, बेसिकली हम दोनों डॉक्टर अरबिन और मैं दोनों एक साथ ही इंस्टीट्यूट में एक ही बैच एक ही हुआ हुआ <laughs> और धौलावीरा में जाके आ, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पाए एक एक्चुअली क्या होता है हम सोचते हैं कि जैसे ज्यादातर फिल्म्स में दिखाया जाता है कि पहली नजर में देखा और प्यार हो गया और हो ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं होता एक हम लोग एक साथ रहते हैं तो एक केमिस्ट्री बनती है एक अंडरस्टैंडिंग बनती है और वही हम लोगों के साथ भी हुआ एक बैच में रहते हुए बहुत सारे लोग थे उनके उनके साथ बात करते हुए जिस इनके साथ बात करते समय एक अलग अलग अंडरस्टैंडिंग फील होती थी वो बोथ वे था कि हाँ हम कंफर्टेबली बात कर पाते हैं बहुत सारी चीज़ें शेयर कर पाते हैं तो वही अंडरस्टैंडिंग एक टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि हाँ आप एक आ, अच्छे फ्रेंड में कर आ गए आप अपनी बहुत सारी और पर्सनल बातें भी शेयर कर पाते तो ऐसे ही हम लोग डिप्लोमा एक साथ हम लोगों ने किया फिर हम हम लोगों ने एक साथ आ, क्योंकि उस वक्त तक जॉब नहीं थी जॉब लगने में टाइम लगता है उसका अप्लाई करना है फिर उसके लिए वेट करना है फिर इंटरव्यू देना है तो हम लोग यू के इंटरव्यू की वेट कर रहे थे एडमिशन जॉब के लिए हमने फॉर्म भरा तो वो जो टाइम था उसमें हमने बहुत जगह काम किया और वो स्टेज था जब हमें लगा कि हाँ यही ओनली चॉइस है तो आ, ये एक लंबा टाइम था डिप्लोमा से शादी तक एक लंबा सफ़र है हम लोगों का दरअसल अगर हम देखें वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था और चूंकि मैं पटना बिहार से आया था दिल्ली और ये दिल्ली में ही थी okay. इनके पेरेंट्स भी और सब दिल्ली में ही थे तो मेरे लिए सच में बहुत स्ट्रगलिंग फेज़ था कि मैं कभी कहीं रूम लेके रहता था और दूसरी जगह और डेली बेसिस पे काम करते थे आ, मैं भी और ये भी किसी म्यूज़ियम के लिए काम कर रहे हैं कहीं एक्सकवेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो एक ऐसा समय था जब आप स्ट्रगल में होते हो तो आप एक दूसरे को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि आपके पास आ, बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है कि आप इधर कर, कर और, इंप्रेस कर सके, हाँ। कर सके। <laughs> जहां आपके पास ऑप्शन नहीं है इंप्रेस करने का तो आप आप जो हैं वही आप दिखते हैं हाँ। और हमारी वर्किंग दिखते हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो डेली लाइफ आप समझ पा रहे हो कि कैसे ह्यूमन बीइंग है हाँ। आप आपकी क्या क्वालिटीज है तो ये एक अच्छी अच्छी बात थी और हम दोनों ने एक दूसरे को समझा और एक एक केमिस्ट्री हमारी पहले ही बिल्ट हो गई थी जब हम डेली बेसिस पे काम कर रहे थे तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे या हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है वर्किंग uh, स्ट्रेंथ है इनकी जो स्ट्रेंथ थी वो शायद uh, मेरी उतनी नहीं थी और मेरी जो स्ट्रेंथ थी शायद इनकी नहीं थी नहीं। तो ये दोनों चीज़ जब कॉम्प्लीमेंट होता है दो अलग अलग ताकतें जब मिलती हैं ना तो एक बेस्ट रिजल्ट आता है यही कारण है कि जब हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे थे तब भी हमने जो काम किया वो आउटस्टैंडिंग काम था जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स नहीं कर पा रहे थे तो हम लोगों ने मिलके आ, कई म्यूज़ियम्स बनाए जैसे रोपड़ में एक म्यूज़ियम हमने क्रिएट किया हमने पानीपत में म्यूज़ियम क्रिएट किया हमने थानेश्वर में, में म्यूज़ियम क्रिएट किया तो आ, उसकी डिज़ाइनिंग से लेके डिस्प्ले से लेके सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मिलके काम किया और कई बाद में भी जब हम जॉब में आए तो हमने एक्सप्लोरेशन साथ किया हमने एक्सकबिशन uh, साथ किए तो एक अंडरस्टैंडिंग एक केमिस्ट्री एक ऐसा बिल्ट हुआ कि कई बार आप प्रॉब्लम में होते हो आप नहीं समझ पाते हो कि यहाँ हम कैसे डील करें तो वो एक स्ट्रेंथ था हमारे पास कि हम एक दूसरे को समझ पा रहे थे और एक दूसरे के साथ विश्वास के साथ काम करवा रहे थे ये एक इम्पॉर्टेंट uh, चीज़ थी तो uh, मैम आपकी क्या सर ने, ने कहा कि उनका प्लान नहीं था एंड देन आर्कियोलॉजी एंडीड आपके लिए हमेशा से प्लान था नहीं बिल्कुल नहीं जैसा सर ने कहा तो uh, सर की फैमिली और बैकग्राउंड में उन्हें ये सब चीज़ें वो उस एनवायरनमेंट में थे म्यूजियम और उस सराउंडिंग में थे लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था मेरी फैमिली में आर्कियोलॉजी का वर्ड पहली बार मैंने सुना और मेरे से पहले मेरे ब्रदर ने मेरे एल्डर ब्रदर हैं तो उन्होंने मुझे हमेशा इंकरेज किया कि आप जो करना चाहते हो वो करिए और उनका बहुत इंटरेस्ट था आर्कियोलॉजी तो में तो एमए करने और बिफोर एमए और ड्यूरिंग एमए भी एक एक थॉट था दिमाग में कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है और ये इसलिए था कि मेरी मद मेरी मदर का ये था कि आ, हर लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए फाइनेंशियल भी और साथ में उसे अपनी फैमिली भी देखनी चाहिए तो ये जो क्वालिटी मेरे में आई वो मेरी माँ माँ से मेरे पास आई तो उसी समय से आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई थी मुझे क्या करना है तो अभी की तरह बहुत सारा सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन नहीं होता था इतनी जानकारी नहीं थी हम एक दूसरे से पूछते थे तो मेरी एक फ्रेंड फैशन डिजाइनिंग कर रही थी तो मैंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा करियर है मुझे फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहिए फिर एक फ्रेंड ने ट्रांसलेशन का किया तो मेरा इंटरेस्ट हुआ और मैंने भी वो कोर्स uh, किया ट्रांसलेशन का कि ठीक है ये एक अच्छी जॉब हो सकती है इंटरेस्टिंग है उसके बाद में और लैंग्वेज में भी हम कर सकते फिर एम करते वक्त मेरी एक डूरिंग एम ए ही बल्कि मेरी एक फ्रेंड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी का एक प्रोस्पेक्टस लाई थी जिसका ख़ुद का इंटरेस्ट था पर इस बीच में उसकी शादी फिक्स हो गई और उसने मुझे वो दिया कि आप ट्राई करना चाहती हैं तो आप कर लीजिए और मैंने ऐसे वो फॉर्म फिल किया तो मेरा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का इवन जब मैंने यहाँ पर एंट्रेंस uh, एग्ज़ाम दिया तो uh, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या इंस्टीट्यूट है इसमें एंट्रेंस में क्या होगा हम लोग क्या क्या पूछा जाएगा तो मैं जस्ट ऐसे ही चली गई ठीक है देखते हैं और मेरे ब्रदर ने भी कहा कि एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए और वहाँ जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं सरप्राइज भी हुई कि जिस जिसकी जिस, जिस फील्ड की मुझे कोई नॉलेज नहीं है नहीं। क्योंकि मैंने एमए किया था मिडी हिस्ट्री से ड्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में आर्कियोलॉजी का कोई अलग से सेक्शन या डिपार्टमेंट नहीं है तो इसलिए बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन या इसके इसके बारे में बहुत कुछ मुझे नहीं पता था लेकिन जब आ, मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी ज्वाइन किया तो वो इंटरेस्ट पहले दिन से ही शुरू हो गया जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ आ, हमारे डायरेक्टर डॉक्टर आर एस बिस्ट का उसी के साथ एक एक इंटरेस्ट बनता चला गया फिर एक्सकविशन में जाना बहुत कुछ सीखना नई नए 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 लोगों से मिलना उनके क्या एक्सपीरियंस थे तो पता ही नहीं चला कि कब यही कैरियर इसी में आने का वो बन गया कि नहीं मैं मैं सिर्फ इसी के लायक हूँ <laughs> तो इस, इसके लिए मैंने पहले कभी नहीं सोचा था नहीं। लेकिन बहुत जल्दी वो स्टेज आ गई कि ये लगा कि बस अब मैं सिर्फ आर्कियोलॉजी ही कर सकती हूँ और कुछ नहीं मैं यहाँ पे आप दोनों से एक चीज़ पूछना चाहूंगा बिकॉज हमारे कई सारे व्यूअर्स होंगे जिन्हें पता नहीं है कि आर्कियोलॉजी होती क्या है एग्जैक्टली exactly, उनके लिए अगर आप एक, एक बेस सेट कर दे कि एक आर्क्योलॉजी क्या होती है और एक आर्कियोलॉजिस्ट का रोल क्या होता है उसका जॉब क्या होता है अगर आप ये उन्हें बता सके देखिए आर्कियोलॉजी एक मल्टी सब्जेक्ट है जिसको हम आर्कियोलॉजिकल साइंस भी कह सकते हैं क्योंकि आर्कियोलॉजी में सिर्फ ये नहीं कि जो हम एक्सकवेट करते हैं खुदाई करते हैं सिर्फ वही आर्कियोलॉजी है क्योंकि ये मटेरियल कल्चर पे डिपेंड करता है आप हम जो स्टडी करते हैं जो एक्सकवेशन में मटेरियल मिलता है ह्यूमन बीइंग ने जिसको यूज़ किया है हम उसकी स्टडी करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट उसकी स्टडी करता है लेकिन Uh, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आर्कियोलॉजी के साथ सपोर्टिव रोल अदा करते हैं जैसे uh, बॉटनी है पेलियोजोलॉजी है या uh, मेडिकल साइंसेज हैं या uh, इन्वॉर्मेंटल साइंसेज हैं या तो ऐसे बहुत सारे ऐसे साइंसेज हैं जो उसके साथ कोलोबरेट uh, करके हम ये समझ पाते हैं क्योंकि ह्यूमन बींग ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं आप एक इन्वायरमेंट में रहते हैं बहुत सारी चीज़ें खाते हैं यूज़ करते हैं खेती करते हैं और बहुत सारी सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो चीज़ें हमें रिफ्यूज फॉर्म में एक्सकवेशन में मिलती हैं मोस्टली तो अब उस रिफ्यूज फॉर्म को हम जब तक साइंटिफिक तरीके से नहीं देखेंगे तब तक हम एक स्टोरी लाइन बिल्ड नहीं कर सकते रिफ्यूज़ uh, फॉर्म में मिलती है इसका क्या? Uh, कि आप आप अगर देखें आप, आप, हम पॉटरी यूज करते हैं जब टूट जाता है तो फेंक देते हैं okay. अगर अनाज जल गया तो वहीं रह गया या हमने खाना पकाया और उसमें जो तेल मसाले हैं वो पॉटरी के अंदर रह गया तो वो सारी चीजें अब मिलती है। कोई भी अच्छा सामान तो छोड़ के जाएगा नहीं आप मान लीजिए अपने घर से जा रहे हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे जो प्रीशियस है अवेलेबलस है उनको आप ले आप लेकर मूव करेंगे मान लीजिए आपको एक नए घर में शिफ्ट करना है तो आप अपने जरूरत की सारी चीजें और वैल्यूएबल थिंग्स को अपने साथ कैरी करेंगे बाकी जो यूज की नहीं है या टूट गई है उनको आप वहीं पर छोड़ देंगे राइट तो हमें जो एक्सकैवेशन में मिलता है वो वो चीजें मिलती हैं हाँ रिफ्यूज चीजें मैक्सिमम टाइम नॉट ऑलवेज हाँ अगर कोई डिजास्टर है या कुछ ऐसा हो गया तब तो शायद वो चीजें मिल जाए कई बार है कि कोई आप क्या करते पहले लोग क्या करते थे अपनी चीजें जमीन में दबा के भी हाँ, रख देते थे छिपाने हाँ, तो के लिए चांस तो वो चांस डिस्कवरी में भी मिल जाते हैं तो आर्कियोलॉजी एक ऐसा फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है जब हम एक्सकवेशन करते हैं या एक्सप्लोरेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि आज जो हमने नहीं सोचा वो तो एक घंटे बाद सारी स्टोरी बदल सकती है तो हमेशा एक एक्साइटमेंट होता है आर्कियोलॉजी में और एज ए कैरियर कि अगर उसको आर्कियोलॉजी को अगर कोई कैरियर बनाना चाहता है या इसमें तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लिए पैशन चाहिए आपको एक ऐसा पैशन जिसमें आपको फिर दूसरी चीज़ें दिखाई नहीं देती है एक आ, मैं उदाहरण के लिए एक बात बताता हूँ जब हम लोग ट्रेनिंग जब हमारी खत्म होती है या जब हमने ट्रेनिंग तो एक आदत सी पड़ जाती है कि आप आप रास्ते में अगर चलेंगे अगर कोई गड्ढा खुद रखा है या कोई मकान बनाने के लिए तो एक बार जरूर हम झांक के देखते हैं कि यहाँ इसके नीचे कुछ दिख तो नहीं रहा है <laughs> तो एक ऐसी आदत सी पड़ जाती है तो ये आउट ऑफ पैशन और जब आप सर्वे के लिए निकलते हो आप जब पॉटरी के टुकड़े चुनते हैं तो गांव वाले कहते हैं ये तो मैंने बहुत सारे फेंक रखे हैं आप ये क्यों उठा रहे हो ये क्यों चुन रहे हो इसको क्या देखना चाहते हो तो एक ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक पैशन चाहिए एक जब तक वो पागलपन नहीं होगा उसके अंदर आप डूबेंगे नहीं तो शायद अपने इतिहास को क्योंकि आपको पॉइंट परसेंट से फाइव परसेंट से ज्यादा रिमेंस आपको साइट पे नहीं मिलते हैं तो आपको 90 -95 आपको बिल्ट करना है आपको समझ एक टुकड़ा मिला तो उसके शेप को समझना होगा कि वो क्या घड़ा घड़ा का टुकड़ा था या तसले का टुकड़ा था या लोटे का था किस चीज का था क्योंकि वो तो टुकड़े के फॉर्म में मिलता है और उसके साथ हाँ। सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगी लेकिन आपको वो इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेंगे वो समझना जरूरी है वो क्या था कहाँ का बर्तन है किचन का है कि बाहर का है कैसे यूज होता था क्या वो उस, उसको जला उसको जैसे अगर हम कुछ पकाते हैं तो हंडी के नीचे जो लेप लगाते हैं अगर वहाँ का पीस है यानी लेप लगाया गया होगा क्यों लगाया गया होगा उसका क्या पर्पस रहा होगा कार्बन है तो कार्बन से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इतना इन्फॉर्मेशन एक छोटे से टुकड़े से आप ले सकते हैं अगर पेंटेड है तो किस टाइप की पेंटिंग है उसमें अगर मोटिव है तो कैसा मोटिव है क्या वो उस समय के एन्वायरमेंट को दिखा रहा है क्या वो फोना को दिखा रहा है वहाँ के उस वक्त क्या एनिमल्स थे या बर्ड बर्ड का उस पर डिज़ाइन बना है तो कैसा था क्या मोर बना है क्या मछली है तो एक टुकड़े पे आपको इतनी हजारों इन्फॉर्मेशन है तो एक आर्क्योलॉजिस्ट होना बहुत टफ काम है क्योंकि वो उसको हर हर समय सीखने को मिलता है आज हम बात कर रहे हैं तो हम लोग आपसे भी बहुत कुछ सीख रहे हैं क्योंकि वो हम अप्लाई करेंगे जब हम काम करेंगे तो हो सकता है उसमें कुछ हेल्प करे वो चीज़ मुझे वहाँ पर इंडिकेट करे अरे मैंने वहाँ ऐसा देखा था या ऐसा सुना था तो हमारे लिए हमारे लेबर्स भी हमारे टीचर होते हैं हमारे गांव वाले भी टीचर होते हैं आप लोग भी वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है जो हम सीखते रहते हैं तो सर पर ये जो अभी जैसे आपने एक चीज कही कि आपको इंटरप्रेट करना है कि ये क्या चीज हो सकती है तो ये इंटरप्रटेशन की जो टेक्निक होती है या इसके पीछे जो एक हिडन साइंस आई एम श्योर आप इसमें ट्रेनिंग लेते हैं बट ये होता क्या है एग्जैक्टली हाउ डू यू इंटरप्रेट की क्या चीज है ये आ, अब अब देखिए अगर जैसा कि अभी उदाहरण दिया ना कि एक पॉटशर्ट्स मिला अब उस पॉटशर्ट्स को देख के उसकी टेक्नोलॉजी बता सकते हैं वो कितने डिग्री पे हिट किया गया होगा और वो कैसे बना होगा वो उसकी मिट्टी कहाँ से लाई गई होगी क्या उसको चाक पे बनाया गया है या उसको हाथ से पीट के बनाया गया है उस पर जो पेंटिंग की गई है उसमें क्या पिगमेंट यूज़ किया गया है ठीक है तो उस समय की तकनीकी चीज़ें भी पता चलती है अगर उसमें कोई राख या जलने का एविडेंस है तो उससे उसके उससे हम कार्बन डे, डेटिंग कर सकते हैं कि ये किस समय बना था और इवन पॉटरी के उसमें थर्मोल्यूमिनेशंस लिम, डेट होते हैं उससे ये पता चलता है किस समय ये बेक हुआ था तो ऐसे इन्फॉर्मेशंस और फिर उसका अगर शेप आपको आपको पता चलता है कि इसका ये शेप है उससे उस समय के लाइफ स्टाइल का आप, आप पता कर सकते हैं कि अगर बोल है तो ये आप किस चीज़ के यूज कर रहे हैं अगर है वो पिक्चर है या स्टोरेज के लिए वो पॉट यूज़ किया गया है क्या वो किचन में इंसी टू किसी कॉन्टेक्स्ट में मिल रहा है या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो ऐसी चीज़ें एक दूसरे के साथ स्टोरी में बहुत आ, 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 काम देती है कि आप कैसे किसी एक चीज़ को इंटरप्रेट uh, कर सकते हैं उससे कितने इंफॉर्मेश्स आप निकाल सकते हैं uh, इसलिए ज़रूरी है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट को मल्टीडिसिप्लिनरी uh, होना पड़ता है हमें हर चीज़ का नॉलेज चाहिए चाहे एंथ्रोपोलॉजी का नॉलेज चाहिए आपको हमको ह्यूमन uh, क्या क्या पार्ट्स हैं वो हमें बेसिक नॉलेज चाहिए जिसे आप अगर एक्सकिशन में कुछ मिलता है तो हम बता सकते हैं ये स्कल का पार्ट है ये स्कल का पार्ट है ये जॉ का पार्ट है दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि इससे हम क्या क्या इंफॉर्मेशन गेदर कर सकते हैं और किस किस साइंटिस्ट के साथ हम कोलोबरेट करके इसकी डिटेलिंग और किया जा सकता है आप कैसे सैम्पल कलेक्शन करते हैं वो क्योंकि हर हाँ तरह के सैंपल्स हैं आपके पास कार्बन है तो कार्बन डेटिंग के लिए लैब में जाना होगा आपके पास अगर आ, आ, पॉटरी है तो थिन सेक्शन बनाना है या थिन सेक्शन में उसमें क्या क्या कंपोनेंट मिक्स है उसकी स्टडी करनी होगी तो इसी तरह से कॉपर uh, है तो कॉपर uh, में क्या मिक्स हुआ है उसकी पैटीना है या नहीं है उसका स्टाइलिस्टिकली uh, uh, क्या है और साइंटिफिकली क्या है दोनों चीज़ समझना जरूरी है इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट को दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक उसका ऑब्जर्वेशन दूसरा उसका मल्टी डिसिप्लिनरी नॉलेज कि आपको सिर्फ आर्कियोलॉजी और डिगिंग नहीं करनी है आ, लेकिन आपको बहुत सारे और साइंसेस के नॉलेज होने चाहिए बेसिक नॉलेज होना चाहिए तो ये ज़रूरी है किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए और और दूसरा उसके उसमें एक ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस कि अगर हम मैं यहाँ बैठा हूँ तो इतने देर में मुझे पता चल गया कि आपने लाइट कैसा लगाया है आपने माइक कैसा रखा है और आ, इस पूरे सराउंडिंग के बारे में मैं अवेयर हूँ तो ये जरूरी है आर्कियोलॉजिस्ट हमेशा आ, उस, है उसका है है। उसकी जो आंखें हैं ना वो आगे पीछे हर तरफ खुली रहनी चाहिए ओके मैं आप कुछ बोल रहे थे सर ने उसको बहुत अच्छे से बता ही दिया है तो आर्कियोलॉजी का मतलब है कि हम उस उस पास्ट को वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं ह्यूमन hmm. पास्ट को उसी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और क्योंकि हमारे पास एवि जो हमें मिलता है वो जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो बहुत स्मॉल नंबर में है वो ओनली वन टू परसेंट समाइव परसेंट में हमको दिख रहा है उसको कैसे समझेंगे उसके लिए पूरा पूरा वो कैसा रहा होगा उसको समझना ये एक बहुत मुश्किल काम है तो उसको समझना हाँ एम होता है एक आर्कियोलॉजिस्ट को कि अगर आपको एक एक छोटा सा एविडेंस मिला है उसको कैसे समझना है उसको पहले उसके सेटिंग में एनवायरनमेंट में लेयर्स में उसमें समझने के बाद क्या साइंटिफिक हेल्प ले सकते हैं हम साइंस हमें कैसे हेल्प कर सकती है इसलिए हम उनकी हेल्प लेते हैं तो जैसे अगर डेटिंग करना है तो हम लोग डेटिंग नहीं करते हैं, हम लोग सैंपल कलेक्ट करके उनको देते हैं वो हमें डेटिंग करके देंगे फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक साइट में और ज़्यादातर समय हमें बहुत स्मॉल रिमेंस मिलते हैं लेकिन बरियल एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि हमें फुल मैक्सिमम टाइम इंटेक्ट और सब चीज़ें वैसे ही मिलती हैं क्योंकि बरियल का मतलब अगर वो बरीयल आप इंटेक्ट बरियल को एक्सपोज कर रहे हैं अगर वो ऑलरेडी रॉब्ड है या डिस्टर्ब है तब तो वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हो गई है या लॉस्ड हो गई है लेकिन अगर एक इंटेक्ट बरील को आप एक्सपोज करते हैं उसका एक्सकवेशन करते हैं तो आप लकी हैं क्योंकि आपको वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहाँ से इंटेक्ट फॉर्म में मिलती है Uh, हम एक्चुअली बरियोल के बारे में तो काफी बात करेंगे बिकॉज सिनोली uh, से कनेक्टेड है बट uh, मेरा पर्पज ऑफ दिस पॉडकास्ट इज कि लोगों तक एक सिनॉली uh, के साइड के बारे में ही इन्फॉर्मेशन नहीं बट आपके लाइफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन पहुंचे आर्कियोलॉजी के बारे में भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे एंड आई वॉन्ट टू शो देम की एक आर्कियोलॉजिस्ट काम कैसे करता है ना uh, बहुत से बार हमने ये देखा है कि बिकॉज हम आज जी रहे हैं एंड हम आज वो पास्ट की फाइंडिंग्स को आज की नजरों से देख रहे हैं तो सबके अपने कंफर्मेशन बायस होते हैं Uh, हम प्रेजेंट के लेंस से पास्ट को देख रहे हैं तो ऑफकोर्स लोगों के अपने आइडियोलॉजीज हैं तो वो उसी को वहीं पे आई uh, वुड तो से कि चिपकाना चाहते हैं तो इससे एक आर्कियोलॉजिस्ट डील कैसे करते हैं बिकॉज आई एम श्योर कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी जब आप बड़े हो रहे हैं आप भी खुद अपने uh, हिसाब से चीज़ों को देख रहे हैं सीख रहे हैं एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो ये खुद को अलग करना एंड उस पास्ट को एक पूरे साइंटिफिक नजरों से दिखना ये बिल्ड कैसे करते हैं आप हमेशा कहता हूँ कि आर्क्योलॉजिस्ट न लेफ्ट है ना राइट है आर्कियोलॉजिस्ट जो देख रहा है सिर्फ उसकी बात करता है जो चीज़ें मिल रही हैं हम सिर्फ उसकी मटेरियल कल्चर की बात करते हैं ये सारे एविडेंस बेस्ड है इसमें कोई मिक्सचर के के चांसेस नहीं है अगर आप ईमानदार हैं तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट का कोई धर्म नहीं है सिर्फ वो आर्कियोलॉजिस्ट है और हमेशा आ, हमें न्यूट्रल होना चाहिए हम जो चीज़ें हैं हम वही कहेंगे उससे बियॉन्ड कहने की कोशिश नहीं करना चाहिए आर्क्योलॉजिस्ट को और यही कारण है कि हम लोग आ, बहुत तरीके से अलग अलग चीज़ों को इन्फॉर्मेशन गैदर करके फिर किसी कंक्लूज़न पे आते हैं कि ये क्या है किसी एक दृष्टि ये एक दृष्टिकोण नहीं होता है मल्टीपल दृष्टिकोण से हम बात करते हैं और एक आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ये बहुत ज़रूरी है सपोज़ एक उदाहरण की अगर एक चीज़ हमको एक्सकवेशन में मिलता है तो उसके प्रोविनेंस का भी हमको पता करना है अगर ये एक स्टोन मिला शायद उस सराउंडिंग में वो स्टोन हो ही ना वो स्टोन कहीं और से आ रहा है तो वो कहां से कांटेक्ट आ रहा है उसका ओरिजन क्या है उस स्टोन का तो उसको भी हमको देखना है तो ये सिर्फ एक इंटरप्रटेशन जो है वो इंटरप्रटेशन हिस्टोरिकल इंटरप्रटेशन नहीं है नहीं। ये इंटरप्रटेशन मटेरियल कल्चर का इंटरप्रटेशन है जो एक्सकवेशन में जो रोइंस मिले हैं उसका इंटरप्रटेशन है और उसकी अंडरस्टैंडिंग है तो इसलिए हम लोग उसको थोरॉली रिकॉर्ड करते हैं राइट फ्रॉम एक्सकविशन के शुरुआत से लेके और इवन बिफोर एक्सकविशन हाँ एक्सप्लोरेशन right में exploration. कंटूरिंग करते हैं कि उसका अंडुलेंस कैसा है किस जगह पे क्या मिल रहा है ग्रिड बनाते हैं उस ग्रिड में किस ग्रिड में क्या मिलता मिल रहा है उसके रिकॉर्डिंग करते हैं फिर उसके बाद जो हर लेयर हर पाँच सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर पर जो चीज़ें मिल रही हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं फिर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे टॉप लेवल पर क्या है उसके नीचे क्या है फिर उसके नीचे क्या आ रहा है <laughs> हाँ। और उसके साथ एसोसिएटेड मटेरियल क्या है कि अगर कोई एक structure मिल रहा है लेकिन उस स्ट्रक्चर के साथ एक फ्लोर होगा क्योंकि जब स्ट्रक्चर होगा हाउस प्लान होगा तो फ्लोर होगा तो फ्लोर के ऊपर क्या चीजें मिल रही हैं और उसके में जो डिपोजिट हुए हैं उसमें क्या मिल रहा है तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग है तो जब आर्कियोलॉजिस्ट कोई बात करता है तो इसका मतलब है कि वो मैक्सिमम ऑथेंटिक चीजें हम देने की कोशिश करते हैं इसलिए आर्कियोलॉजी एक तरह से साइंस है और इसको हम साइंस कहते हैं और साइंस का मतलब ही होता है कि एविडेंस बेस्ड बात करना फक्षुल। हाँ फैक्चुअल बात करना ये इसलिए हिस्ट्री से आ, अलग है और जहाँ हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है उसके बियॉन्ड तो आर्कियोलॉजी के अलावा और आपके पास कोई सोर्सेज भी नहीं है समझने के लिए क्योंकि उसके पहले आपके पास अगर राइटिंग एविडेंसेस नहीं हैं कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं है तो उसके पहले के रिमेंस को समझने के लिए आर्कियोलॉजी के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है कोई साधन नहीं है तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और आने वाले समय में धीरे धीरे पहले कोई आर्कियोलॉजी जानता नहीं था लेकिन जैसे जैसे ये मीडिया और नई चीज़ें आ रही हैं लोगों को आर्कियोलॉजी के प्रति अपने इतिहास के प्रति अपने पास्ट के लिए जो क्यूरिस्टी डेवलप हो रही है ना उसने आर्कियोलॉजी को एक नया नई दिशा दी है और अब लोग जो नए लोग भी हैं स्टूडेंट्स हैं वो भी आर्कियोलॉजी के प्रति अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और काफ़ी बच्चे आते हैं और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी है जिससे हम दोनों ने डिप्लोमा किया है और एक मैं कहूँगा मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि इंस्टीट्यूट का शायद सबसे लंबे समय तक मैं डायरेक्टर भी रहा और अभी भी इंस्टीट्यूट देख रहा हूँ मैं और तो नए बच्चों को इनकेज करना कि आप किस तरह से आर्कियोलॉजी कर सकते हो और लेकिन हाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर जो अन्य विधाओं में जिस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी है आ, अब यहाँ डेवलप हो रहा है पहले हमारे पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी अब धीरे धीरे जैसे जैसे आ, क्योंकि आर्कियोलॉजी सिर्फ एक्सकवेशन नहीं है हम मॉन्यूमेंट को भी मेंटेन करते हैं मॉन्यूमेंट का कंजर्वेशन करते हैं नए साइट को ऊपर लाते हैं उसके कंजर्वेशन प्लान बनाते हैं मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज के लिए नोमिनेशन डोजियर क्रिएट करते हैं तो एक मैंने कहा ये बहुत सारे विधाओं से जुड़ा हुआ है आर्कियोलॉजी तो जो बच्चे अब धीरे धीरे हेरिटेज मैनेजमेंट के फील्ड में या आर्क्य जिनको कोर आर्क्योलॉजी में इंटरेस्ट है वो एक्सकवेशन एक्सप्लोरेशन और उसमें आते हैं जिनको हेरिटेज मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है या कंजर्वेशन में इंटरेस्ट है वो उस फील्ड में जाने की कोशिश करते हैं जिनको म्यूजियोलॉजी में इंटरेस्ट है कि जो आर्टिफैक्ट्स हैं और उसको हम म्यूज़ियम से कैसे वो करें तो वो म्यूजोलॉजी के फील्ड में जाते हैं जिनको एपिग्राफी और स्क्रिप्ट और इससे इंटरेस्ट है वो एपिग्राफी ऑप्ट करते हैं जिनको आइकोनोग्राफी और स्कल्पचर्स और उससे इंटरेस्ट है आर्ट से इंटरेस्ट है वो वो फील्ड एडॉप्ट करते हैं तो आर्कियोलॉजी के के बहुत सारे अलग अलग आयाम हैं और उन आयामों को जिसमें जिसका इंटरेस्ट है और पैशन है वो उस आयाम को अब चुन सकता है और यही कारण है कि म्यूजियम में अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी आ रही हैं कंजर्वेशन के फील्ड में अपॉर्चुनिटी आ रही हैं हेरिटेज मैनेजमेंट में की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो है ही उसके अलावा इस्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी है या इनटेक जैसे और बहुत सारे अदर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस फील्ड में गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही हैं या हेरिटेज के प्रिजर्वेशन पे काम कर रही हैं तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं मैम मैं, मैं आपसे एक चीज़ पूछना रहूँगा एक ना टर्म यूज़ किया जाता है जैसे कहते हैं कि एवरी थिंग दैट इज़ मॉडर्न इज एक्चुअली एंशेंट इस बात में कितनी सच्चाई है मतलब क्योंकि एज एन आर्कियोलॉजिस्ट आप तो कई सारी चीज़ें आपके सामने आती है जब आप एक्सकवेट कर रहे हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती है तो आज जो भी हमारे पास में जो ये आई वु ये जो लाइट्स इक्विपमेंट्स जो भी हम यूज कर रहे हैं इसे हम मॉडर्न कहेंगे बट इज दिस रियली एंशंट बिल्कुल बहुत अच्छा है देखिए अभी आपने एक पेन पकड़ा है एग्जाम्पल से मैं बताती हूँ आपने पेन लिया है ये बॉल पेन है हुँ. बॉल पेन से पहले हमारे पास फाउंटेन पेन थे उससे पहले कलम थी उससे पहले भी राइटिंग था तो राइटिंग का अलग तरीका था हमने मेन्यूस्क्रिप्ट बनाए जिन पर हम कलम से लिख रहे थे मतलब तो पेपर और पेन जो आपने पकड़ा है वो उसकी क्या बैकग्राउंड है आज हम जहाँ पर हैं जो चीज़ आज हम यूज कर रहे हैं माइक यूज़ कर रहे हैं या ग्लास है या हम आज कपड़े पहन रहे हैं उसका भी एक एक, एक बैकग्राउंड है एक इतिहास है एक हिस्ट्री है पहले क्या कहाँ से स्टार्ट किया होगा हमने एनवायरनमेंट से अपने आप को बहुत हार्श वेदर से बचाने के लिए शायद पत्ते या पेड़ की छाल इस टाइप का कुछ यूज़ किया होगा बाद में लगा कि उससे हमको और कुछ ड्यूरेबल करना है और ये सारी चीज़ें कोई एक दिन एक साल दो साल में होने वाली नहीं है एक बहुत लंबा टाइम लगा होगा जब हम वो एक्सपेरिमेंट करते करते इस स्टेज पर पहुंचे होंगे कि हाँ हम ये कर सकते हैं और फर्दर हम उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जैसे अगर पेन ही है तो पेन में भी आज हम बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ जो आज हमारे लिए मॉडर्न है वो मॉडर्न है क्योंकि वो आज हमारे पास ऐसे फॉर्म में है लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है उसका उसकी हिस्ट्री क्या है वो समझना बहुत जरूरी है तो वो एंशेंट है राइट ओके और दूसरी बात ये कि जो आज आज इन्वेंशन हुआ है आ, वो आ, कई पीढ़ियों बाद वो एंसेंट हो जाएगा हाँ। 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 तो जो हमारे लिए मॉडर्न है, है वो एंशिएंट हो जाएगा हाँ, वो एक, एक जर्नी जर्नी है, है। और हम उस जर्नी में एक पार्ट है ओके okay. राइट right. तो आ, मुझे ये भी जानना है कि जैसे अभी आ, बहुत सारे एंशिएंट सिविलाईजेशन है और आ, हर एंशंट सिविलाइजेशन के जो कुछ लोग बचे इंडिया में तो मतलब हम एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है बट जैसे इजिप्ट में भी कुछ लोग होंगे मेसोपोटामिया से जुड़े हुए कुछ लोग होंगे सब कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा मॉडर्न थे उस जमाने में तो आ, हमारी जो सिविलाइजेशन थी ये क्या सच में उतनी मॉडर्न थी जितना आज हम जो वीडियोज आते हैं उस पर जो लोग क्लेम्स करते हैं क्या हम सच में उतने मॉडर्न थे या इट जस्ट उस टाइम के लिए वो एक ठीक चीज थी आज हम सिर्फ उसे थोड़ा एग्जाजरेट करके देख रहे हैं क्योंकि हमारा कन्फर्मेशन बायस है हमारी आइडियोलॉजीज है उसलिए हम उसे उस से देख रहे हैं सर बताएंगे लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा बस एड कर देती हूँ एक्चुअल में उस समय हम बहुत मॉडर्न थे ये ये टर्म ठीक नहीं है उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा ज्ञान था या हम हमारे आसपास के एनवायरमेंट को और उस उसको अपने अकॉर्डिंगली बनाने में हमने बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हम सक्सेसफुल हुए ये कहना चाहिए नॉलेज नॉलेज वही वही बात मैं कह रही हूँ कि यहाँ बात है नॉलेज की मॉडर्न होने की बात नहीं है बात है नॉलेज की तो हमारे पास नॉलेज थी और वो नॉलेज आज तक कंटिन्यू कर रही है करेक्ट ओके ओके सर आपका क्या perspective? अगर अगर हम देखें सोशल मीडिया पे पूरी तरह से बिलीव नहीं करें क्योंकि कई चीज़ें बहुत एग्जरेटेड भी होती हैं और वो साइंटिफिक बेस उसका शायद नहीं होता है लेकिन अगर भारतीय संदर्भ में परंपराओं की बात करें तो हमारी परंपरा बहुत स्ट्रोंग है और वो परंपरा अनुभव से बनाई गई है और अनुभव से डेवलप हुई है Uh, जैसे और ये बेसिकली एडोप्टेशन ऑफ इन्वामेंट है कि हर कल्चर जो अपने अपने इन्वामेंट अपने अपने सराउंडिंग और एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स नेचुरल रिसोर्स को कैसे यूज़ कर रही है दैट इज एक्चुअली मीन्स अलाट कि हमारे यहाँ भी uh, बहुत डाइवर्सिटी है अक्रॉस द कंट्री उन डाइवर्सिटी में अलग अलग सेटलमेंट के लोग अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं रिसोर्स अवेलेबल है उसको यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से वो तकनीक विकसित कर रहे हैं उसके हिसाब से वो उस चीज़ की जैसे आपको कि हमारे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग परंपरा थी आप 20-25 साल पहले भी चले जाएं जैसे मेरी मदर थी उनको पता होता था कि अब अब जो बारिश हो रही है उसकी बूंदें मोटी आएंगी या पतली आएंगी हाँ अब ये हथिया लग गया या कन्मा लग गया ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स लोकल वो थे जो उनको पता होता था कि अब ये नक्षत्र आ गया अब ये बारिश होने वाली है वो ये इतनी मोटे अब ये आंधी भी आएगा इसमें और इसमें पतझर भी होगा वो कैलकुलेशन उनको पता था उसके हिसाब से उन्होंने एग्रीकल्चर में उसको इम्प्लीमेंट किया उन्हें पता था कि ये इस समय ये अनाज बेहतर होगा ये तो ये जो डेवलपमेंट है कि आपके अनुभव को कैसे आपने यूटिलाइज किया है वो इंपॉर्टेंट है जैसे अगर प्राचीन उसकी बात करें तो हमें नक्षत्र विज्ञान का पता था हमें मैथमेटिक्स का पता था जो वैदिक और वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से तो आप आप ये सोचिए कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जानने के लिए नक्षत्र को जानने के लिए जबकि आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है कितना लंबा समय लगा होगा आपको उसके अनुभव करने के लिए कई पीढियां लगी होगी उसको अनुभव करने के लिए और वो पीढियां अपने दूसरे पीढ़ी के साथ अपने अनुभव को जब तक साझा नहीं करेगी तब तक उसकी कंटिन्यूटी नहीं होगी तो ये परंपरा हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से चली आ रही है और आश्रम व्यवस्था का एक सबसे बड़ा कारण यही था कि एक गुरु के बाद दूसरे गुरु उसको ओवर करते थे क्योंकि उनके नॉलेज का ट्रांसफर हुआ और फर्दर वो नॉलेज इन्हांस होता चला गया भारतीय परिपेक्ष में निश्चित रूप से अगर हम आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव में भी देखें तो हमारे यहाँ जैसे हरप्पन कल्चर की हम बात करते हैं या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो एक मोर देन सिक्स थाउजेंड किलोमीटर तक एक यूनिफॉर्मिटी दिखाई देती है जो शायद उस कंटेम्प्ररी अदर सिविलाइजेशंस में वो नहीं दिखाए वो कैसे डेवलप हुआ वो नॉलेज सिस्टम कैसे डेवलप हुआ तो उसके पीछे बहुत लंबा बैकग्राउंड हो, होगा तो तीन सौ चार सौ साल और आप, आप पहले जाएं तो वो क्लियर दिखता है कि धीरे धीरे वो नॉलेज सिस्टम डेवलप हुआ जब हम एग्रीकल्चर से शुरू होके और डोमेस्टिकेशन से शुरू के और टाउन प्लानिंग और, और उस पर हम आ गए और स्क्रिप्ट डेवलप होने लगा वेट और मेज़रमेंट uh, uh, और सिस्टम डेवलप हो गया आपके पास टिग्नोमेट्री और जैसे वो डेवलप हो गए तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अगर सिविलाइजेशन और उसकी अगर हम अध्ययन करें तो कुछ क्वालिटीज़ जो है वो इंडियन सिविलाइजेशन में यूनिक हैं जो दूसरे सिविलाइजेशन में नहीं दिखाई देती हैं तो हर सिविलाइजेशन में अपनी क्वालिटी है क्योंकि उनकी सराउंडिंग का जो अध्ययन है अनुभव है वो अलग है हमारे यहाँ अनुभव अलग है हम अपने अनुभवों से उसको डेवलप कर रहे हैं वो अपने अनुभवों से डेवलप कर रहे हैं लेकिन इसमें कहने में किसी भी तरह का कोई हेजिटेशन नहीं है कि हमारा जो एंसियंट जो हमारी संस्कृति थी आ, वो अमेजिंग एडोप्टशन ऑफ नॉलेज था और उन्होंने जो अपने सराउंडिंग से प्रकृति से जो कुछ सीखा था और उसको जिस तरह से अपने लाइफ स्टाइल में इम्प्लीमेंट किया वो शायद दुनिया के और किसी कल्चर में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता है और यही कारण है कि वो एक संस्कृति में ऐसे बुन गया ताने वाने की तरह बुन गया कि आप उसको अलग नहीं कर सकते डेली लाइफ में आ गया। और यही और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इसकी कंटिन्यूटी है इसमें ब्रेक नहीं आया दूसरे कल्चर में जब आप एक रिजिडिटी होगी तो उसमें ब्रेक भी होगा क्योंकि दू, अब उसके बीच में लेकिन यहाँ एडोप्टेशन इतना स्मूथ है कि इसका ताना बाना इतना स्मूथ है कि वो आपके लाइफ में है और जब लाइफस्टाइल में कोई चीज़ें होती है तो वो ख़त्म नहीं होती हैं क्योंकि उस लाइफस्टाइल से आपके जनरेशन सीखते हैं दिस 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 और हाँ। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो इंक्रीज होता गया वो नॉलेज बढ़ती गई उसका कारण जैसे सर ने बताया कि आश्रम हम हमारे यहाँ आश्रम की परंपरा गुरु की परंपरा तो वो जो गुरु और आश्रम और हमारा जो शिक्षा पद्धति थी वो अभी जो हम शिक्षा ले रहे हैं उससे एकदम एंटायरली डिफरेंट थी एक गुरु आप अगर कहीं से हमारे एपिक से भी एग्जाम्पल लेंगे तो अर्जुन जा रहे हैं तो वो धनुर्विद्या के सीख रहे हैं अपने और ज्ञान के अलावा उसमें एक्सपर्ट हो रहे हैं तो वो धनुर्विद्या के ज्ञानी हैं भीम अलग उनकी विद्या तो हर आदमी एक अपने गुरु के साथ एक उ, उ, उनकी जिसमें एक्सपर्टीज है उसको सीख रहे हैं और उसको आगे बढ़ा भी रहे हैं इसीलिए वो कॉन्टीन्यूस जो नॉलेज जो स्टार्ट हुई वो वो लगातार टाइम के साथ बढ़ती चली गई क्योंकि हम किसी एक चीज़ में रिसर्च 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 कर रहे हैं और अनुभव से उसमें एड कर रहे हैं और वो जो अनुभव आ रहा है वही अनुभव हमारी डेली लाइफ में भी इंक्लूड हो रहा है तो ये जो सिस्टम बन रहा था आज जो हम एजुकेशन ले रहे हैं हम कुछ ये पढ़ रहे हैं कुछ ये पढ़ रहे हैं किसी में हम एक्सपर्ट नहीं हो रहे हैं हम और इवन अगर हम वो, वो कहते हैं कि हम इसमें फर्दर रिसर्च कर रहे हैं तब भी आप एक स्मॉल पार्ट उसी को मिक्सचर कर रहे हैं वो जो ज्ञान का लेवल था और स्टेज थी वो हम कहीं भटक गए हैं अभी तो अगर वापस हम उसमें जाएंगे तो वो इसीलिए इसीलिए बीच में आ, अभी जैसे सर ने कहा कि उनकी माँ को पता था कि इस ढंग का बन रहा है ये ये मोटी बूंदे बारिश की आ रही तो इसका मतलब अब ऐसा होगा अभी मैं नहीं बता सकती नहीं। तो मेरी और उनके जनरेशन में ये गैप आ गया क्योंकि मैंने वो, वो मैं सीख नहीं पाई या मैं वो कैरी नहीं कर रही हूँ कुछ चीजें जो मैंने कर, मैं कैरी कर रही हूँ वो मेरे बच्चे आगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नहीं सीख रहे हैं वो एक अलग सिस्टम में आ गए हैं तो ये जो शिफ्टिंग है ये बहुत खराब है ओके ओके मैम सर जब हम uh, भारत की बात करते हैं हम uh, हिंदुज्म को जब देखते हैं तो अब हमारे पास्ट को हम जब देखते हैं कुछ लोग इसे माइथोलॉजी कहेंगे कुछ लोग उसे इतिहास कहते हैं इस डिबेट से आप लोग किस तरह से इसमें आपके क्या मतलब ओपिनियंस है बिकॉज अगर हम रामायण की बात करें महाभारत की बात करें वेदास की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जो इन्हें माइथोलॉजी कहते हैं और कुछ लोग हैं जो इन्हें इतिहास कहते हैं नाउ आई एम समवन जो बीच में कहीं अटका हुआ है मेरा जनरेशन की हम किसकी बात माने क्योंकि इतने सारे पर्सपेक्टिव है एंड यू आर द सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट यहाँ पे तो आपके क्या ओपिनियंस है इसको लेकर बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को एक चीज आ, हमको ये समझना होगा कि हम आ, हमारे जो साहित्य लिखे गए वो किस लिए लिखे गए और उसको किस तरह से लिखे गए उसके पीछे स्कॉलर्स की उस समय के मुनियों की ऋषि मुनियों की क्या सोच थी एक ऐसा तबका है जो आम जनमानस है एक ऐसा तबका है जो उस पर रिसर्च कर रहा है गुरुकुल परंपरा में है और आ, और वो उस उस साहित्य को लिख रहे हैं अब उनको वो नॉलेज जो है वो लोअर लेवल तक परकुलेट करना है तो एक स्टोरी रची गई एक स्टोरी लाइन क्रिएट किया गया उस स्टोरी लाइन में एक ऐसे विविंग्स हैं जिसमें फिलॉसफी है जिसमें हिस्ट्री है जिसमें हर चीज़ें उसमें ऐसे रची बसी गई ऐसे गुथा गया कि आम आदमी उसको स्टोरी की तरह पढ़े लेकिन उससे उसका उसका फिलोसफिकल नॉलेज उसका और दूसरा जो पूरी प्रोस्पेक्टिव है वो डेवलप हो और इसलिए आप अगर महाभारत को भी देखें तो महाभारत में सब कुछ है जी चाहे वो राजनीति हो चाहे वो फिलोसफी हो चाहे वो धर्म हो चाहे एक वॉरियर का पराक्रम हो आ, या सामाजिक व्यवस्था हो मैट्रिमोनियल अलायसेज हो युद्ध कला युद्ध कला क्या नहीं वॉट नॉट क्यों ऐसे हर चीज़ को इतने अच्छे से वीव किया गया क्योंकि आप उसको और और वो लंबे समय तक लिखा भी जा रहा है उसमें चीज़ें ऐड भी हो रही हैं लेकिन फिर भी आप उसको सेग्रीगेट करना आसान नहीं है नहीं। तो ये जो एक हमारे यहाँ एक स्किल था राइटिंग स्किल था वो अमेजिंग राइटिंग स्किल था और लेकिन जब धीरे धीरे जब वेस्टर्न इन्फ्लुंस आया तो हम क्या करते हैं हम दस किताबें पढ़ते हैं और दस किताबों के साइटेशंस लिखते हैं और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाते हैं तो एक बुकिस नॉलेज डेवलप होना शुरू हुआ जो हमारी परंपरा में इस तरह की परंपरा नहीं थी ज़्यादा हम अब एक अगर ओरिजिनल काम करने की परंपरा थी हम ओरिजिनल थॉट प्रोसेस हमारे जितने मनस्क्रिप्ट हैं वो सब ओरिजिनल थाट पर बेस्ड हैं और एक बार ओरिजिनल सोर्सेस से आपने जो लिखा उसके बाद उस पर कॉमेंट्स होते थे ना कि पहले आप कमेंट करके वो लिखते थे तो इसलिए जब वेद लिख आया और वेद के बाद उसके मीमांसाएं आने लगी उस पर बहुत टीका। सारे ट, आ, टीका आने आने लगा और नहीं क्योंकि उस नॉलेज से फिर अलग अलग छोटे छोटे और नॉलेज इन्हांस होने लगे और उस पर डिस्कशन शुरू हुआ तो ये हमारी एक बहुत स्ट्रांग परंपरा थी जिसको हम डिबेट आज जो डिबेट का फॉर्म है वो हमेशा डिबेट का फॉर्म होता था कि एक गुरु एक अपनी फिलॉसफी रख रहा है तो उस पर डिबेट होती थी उसके बाद उसको कंसाइज किया जाता था तो जो को हमारे पास जो वेद है उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जिससे आप उसकी ज्योग्राफ़ी को समझ सकते हैं माउंटेन को समझ सकते हैं उसकी धार्मिक परंपराओं को समझ सकते हैं आ, उसके उस समय की संस्कृति को आप आप समझ सकते हैं इवन लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो उसमें उससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं तो निश्चित रूप से उसमें इतिहास भी है उसमें फिलोसफी भी है उसमें धर्म भी है उसमें साइंस भी है आप किस नज़रिए से देखते हैं और उसमें से क्या निकालना चाहते हैं ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए सामान्यतः लोगों का नज़रिया होता है कि ये एक मिथ है आ, और एक स्टोरी है सिर्फ इसमें क्योंकि आप स्टोरी के नज़र से देखेंगे तो स्टोरी दिखेगा लेकिन आप अगर अगर सपोज़ महाभारत में आप जूनोलॉजी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं आप आप नक्षत्र विज्ञान को देखना चाहें तो बहुत सारे ऐसे इवेंट हैं जिससे आप वो रिलेट कर सकते हैं कि उस समय की क्या नक्षत्र की स्थिति क्या थी तो एक विषय तो है नहीं ये कई विषयों की का विविंग है एक स्टोरी लाइन बना के और ये लिखने की कला जो है वो अद्भुत थी और इसलिए हमारे हमारी परंपरा में हमारे जो एंसियंट लिटरेचर्स हैं और आ, उसको आ, तभी आज आप देखिए अगर महाभारत और रामायण कब लिखी गई लेकिन आज हर किसी के जेहन में है क्यों है वो एक कंटिन्यूशन तो है क्योंकि वो इसलिए कंटिन्यूटी है कि वो एक स्टोरी की तरह आपको बताया गया सर आ, मेरा क्वेश्चन ये यह है यहाँ पे आपकी रामायण में महाभारत में अब कई सारी चीजें ऐसी भी है जिस पे बिलीव करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है ओरल ट्रेडिशन की वेद हमारे पास बहुत लंबे समय तक एक गुरु से उसके शिष्य और फिर उससे आगे ट्रांसफर होते रहे ओरली वैसे ही नॉलेज भी ओरली ट्रांसफर हुई hmm. एपिक की अगर बात करेंगे या और लिटरेचर की भी बात करेंगे तो वो एक्चुअल में गाए गए ओरली एक वहां से उस उसके बाद नीचे ट्रांसफर हुए hmm. किसी एक स्टेज में आके उनको लिखा गया लेकिन जिस जिस समय भी उनको लिखा भी गया तो वो आज हमारे पास वो ओरिजिनल हमारे पास अवेलेबल नहीं है hmm. क्योंकि उस वक्त वो मेन्यूस्क्रिप्ट या hmm. उस पर ताड़पत्र पे लिखा गया होगा hmm. तो वो हमारे पास अभी नहीं क्योंकि वो पेरिशेबल है और अगर कोई ऐसे मटेरियल पे भी लिखा गया तो वो भी उसकी भी एक लाइफ है जैसे आ, आज भी होता है कि ताड़ पत्र पे लिखा हुआ है तो वो 200 300 500 साल के बाद फिर उनको फ्रेश कॉपी किया जाता है लेकिन जो उसका कॉपिया है, है जो कॉपी कर रहा है जिस समय उस समय तक बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं उसके पास उसका और और ज्ञान बढ़ गया है बहुत सारी चीज़ें उसकी भी हैं उसके भी अपना अपनी थाट्स हैं तो वो जब जब वो उसे लिख रहा है तो वो चीज़ें भी उसने उसमें ऐड की जब ओरली ट्रांसफर हुआ जब तक वो स्ट्रिक्ट था कि हाँ इसी को ऐसे ही हमको इसको ऐसे ही प्रनाउंस करना और ऐसे ही गाना है तब तक तो सही था जहाँ हम उसे लिखने के क्रम में आए और फिर उसमें और चीज़ें ऐड होती गई तो तो वो जो कंटेम्प्रेरी थिंग्स थी वो उसमें ऐड होती चली गई एक कलाकार को अगर आज महाभारत की चित्र बनाने के लिए बोले तो वो जो कल्पना करेगा वो क्या तलवार की कल्पना क्या करेगा जो मिडिवल पीरियड में तलवार हाँ। होती थी उसकी कल्पना करेगा ढाल की कल्पना करेगा जो मिडिवल पीरियड में होती थी वो कल्पना करेगा तो जो कल्प जो कल्पना आ रहा है ना उसमें कहीं ना कहीं कंटेप्रेरी चीजें आ रही हैं इंक्लूड हो रही है। दूसरी बात ये थी कि अगर आप ये देखें कि आपके दादाजी ने जो कहानी सुनाया फिर उसके बाद आपके पापा ने उसी कहानी को कंटिन्यू किया तो उसमें कुछ नई और चीजें डाल दी जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे यानी उसके अंदर जो वाव फैक्टर है ना वो वाव फैक्टर क्रिएट करने के लिए कई बार चीज़ें आ जाती हैं और... जो एग्जरेटेड uh, दिखती हैं लेकिन जब हम uh, उसके ऐतिहासिकता को या उसके उसको समझने की कोशिश करते हैं तो हमको कंटेम्प्रेरी लाइफ और उसको भी समझना ज़रूरी है उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करना चाहिए लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें बहुत एक्जरेट लगती हैं लेकिन आज भी आप देखें अगर आपको बचपन से सिखाया जाता है तो आप ऐसे कर, कर सकते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते बचपन से अगर आपको तीरंदाजी सिखाया जा सकता है तो आप ऐसी चीजें कर कर जाते हैं आप पाँव से भी तीर चला सकते हैं और जो आप आज के उसमें कल्पना नहीं कर तो सकते क्योंकि आज आपको तीर चलाना का पता नहीं है उस समय आप वो तीर चला रहे थे है ना तो, तीर चल रहा है सैनिक लड़ रहे हैं आज आप कहेंगे कि तीर पकड़ के चलाइए हमारे अपने अपने जो आर्मी है चला पाएंगे नहीं वो, उनको ये लगेगा कि अरे ये तो बहुत कठिन काम था ये तो हो ही नहीं सकता हाँ ये तो हो ही नहीं सकता तो ये बहुत सारी चीजें जो हमें एक्जेशन लगती है वो कई बार बहुत एक्जेशन नहीं है हाँ उसको धीरे, धीरे 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 बढ़ा के आ, बताया हाँ, गया उस... क्योंकि वो एक उपमा है जैसे आप अगर किसी को कहते हैं कि आप बिल्कुल हाथी की तरह लग रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथी है या हाथी की तरह लग रहा है बल्कि आपको ये आप आ, उसका उपमा ये है कि वो मोटा है उस वो आ, उस तरह का बलशाली है या वो दिख रहा है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो हाथी जैसा दिख रहा है अब कहेंगे बाणों की बारिश हो रही है तो बारिश तो नहीं हो सकती ना आप कहेंगे बारिश कैसे हो हो सकती है तो लेकिन वो है बताने का तरीका कि कि इतना 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 इतने तीर तीर चल रहे थे इतना तीर आ रहा था नुँ। कि, नुँ। हाँ। नुँ। तो वो वो समझना और उसको ये मानना सिरे से नकार देना कि ये तो है वही तो नहीं सकता ज्यादातर लोग जो, जो मिथ्स कहना चाहते हैं वो उसके लिटररी मीनिंग को आ, लेते हैं बल्कि हर जगह आप लिटरेरी मीनिंग को नहीं ले सकते उसका सिंबॉलिक मीनिंग भी है जैसे कल आ, मेरी एक स्कॉलर के साथ काफी लंबी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि सरस्वती कई तरह से आ, लिखा गया है सरस्वती के बारे में सरस्वती रिवर के बारे में जो आ, मिथिकल है मतलब कि उसको स्वर्ग से भी रिलेट किया गया है तो हम कहते कि स्वर्ग से रिलेट करने का अर्थ ये नहीं है कि उसको स्वर्ग से रिलेट किया गया है जो हमारा जो हमारा अगर ग्लेशियर है वो भी स्वर्ग जैसा ही है ना आज हम कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है तो ये ये एक उपमा है एक कहने का तरीका है तो उसको आप लिटरी मीनिंग में अगर ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो कभी भी आप उसके ओरिजिनल आत्मा को नहीं समझ पाएंगे original thought को नहीं समझ पाएंगे कि ने ने या राइटर्स ने क्या कहने की कोशिश की कोशिश है। सर okay. क्योंकि आपने कहा कि आर्कियोलॉजी एक बहुत फैक्चुअल डेटा के ऊपर बेस्ड है तो कितना परसेंट ऑफ महाभारत इज ट्रू इसका हमारे पास में कोई आंसर है बिकॉज सबको मतलब सबने कभी ना कभी अपनी लाइफ में सोचा है। तो इसका आर्क्योलॉजी के थ्रू हमें कोई आंसर मिला है आज तक देखिए दो आ, अगर महाभारत की बात करें किसी एक इवेंट आ, के बारे में कहना आ, किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आ, मुश्किल है जब तक कि कोई लिटरेरी सोर्स या कोई राइटिंग एविडेंस नहीं मिलता है कि इस तिथि या इस समय ये हुआ था तब तक किसी एक इवेंट को रिलेट नहीं किया जा सकता है तो फिर महाभारत को कैसे समझें हम आर्कियोलॉजिकली कैसे समझें कि क्या ये इस तरह का इवेंट या इस तरह का कोई कै लोग थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं तो प्रोफेसर बी लाल ने सबसे पहले इसमें काम शुरू किया था कि आर्कियोलॉजी को इतिहास इसके साथ महाभारत को के कॉन्टेक्स को समझने के लिए तो उन्होंने क्या किया जो इम्पोर्टेंट विलेज थे जिसका मेंशन था महाभारत में यानी कोर एरिया जिसमें हस्तिनापुर से लेके और पांच ऐसे गांव और और कुछ स्थानों के आर्कोलॉजिकल रिमेंस को एनालाइज करने की कोशिश की और उस समय जो उनके पास बेस्ट एविडेंस थे उसके आधार पे उसके डेटिंग को अराउंड उन्होंने बताया कि ये इस कल्चर के साथ पॉसिबली uh, रिलेट हो सकता है और वो 9000 से uh, न, ये 900 से 1000 हज़ार के आसपास का डेट किया आज हमारे पास बहुत सारे नए एविडेंसेस आ रहे हैं क्योंकि नए एक्सकविशंस हो रहे हैं नए एक्सप्लोरेशंस हो रहे हैं और नए एविडेंसेस आ रहे हैं तो हम उसके आधार पे नए तरह से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश करेंगे दूसरा इसमें आर्कियोलॉजी एक पार्ट है मदद करने के लिए लेकिन जो लिटरेरी सोर्सेज हैं चाहे पुरानों में या उसमें जूनोलोजी है जो महाभारत में जो किरदार हैं जो वॉरियर्स हैं उनकी जो यानी पांडवों के कुरुओं की, की जूनोलॉजी है उस समय जो महाभारत में जिस तरह के कल्चर के रिफ्लेक्शंस दिख रहे हैं उसमें बहुत सा रथ है उसमें घोड़े हैं तो उस उसके कल्चर मतलब में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए रथ है तो रथ बनाने वाला भी होगा हाँ उसको मैनेज करने वाला भी घोड़ा है तो घोड़ा को रख रखाव करने वाला भी होगा उसको उसके मैनेजमेंट भी होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमको एनालाइज करने की ज़रूरत है और उसी में आप जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र विज्ञान है तो कुछ लोगों ने नक्षत्र विज्ञान के आधार पर भी उसकी डेटिंग करने की कोशिश की कि इसका डेट कहाँ जाना चाहिए तीन हज़ार बी और उसके आसपास कुछ लोगों ने कहा कुछ लोगों ने बारह सौ बी कहा तो अलग अलग अ, लोगों ने अलग अलग, अलग तरह से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश की और यही कारण है कि एक जगह पर पहुँचना मुश्किल है और अगर आप महाभारत के बहुत सारे एस्पेक्ट को देखें तो एक लाख वर्सेस तक आने में और उससे ज़्यादा आने में एक लंबा समय लगा तो उस लंबे समय में अलग अलग सेगमेंट उसके साथ वीव हुए तो आप कहाँ से चीज़ों को उठा के आप जोड़ना चाहते हो उस पर भी डिपेंड करता है है ना तो आज के डेट में आर् आर्क्योलॉजिकल एविडेंस एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस और पौराणिक एविडेंसेस और जो उसके कल्चर के रिफ्लेक्शंस हैं उसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तब आप एक ब्रॉड टाइमलाइन सजेस्ट कर सकते हैं कि ये टाइमलाइन रहा होगा और ऐसे इवेंट हुए होंगे कोई इवेंट तो हुआ है जिसके कारण ये जनमानस में आया है और मेरे ख्याल से ऐसा अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है बहुत डिटेल तो अभी बात नहीं कर पाऊंगा लेकिन सत्रह अठारह सौ के आसपास महाभारत जैसे इवेंट और उससे रिलेटेड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है उसके आसपास इसकी तिथि क्रम जानी चाहिए उसका दो कारण है कि अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन क्योंकि आपको एक बेंचमार्क बनाना होगा उस बेंचमार्क के बाद आपको कल्चर एफिनिटी समझने की कोशिश करनी होगी जो वैदिक और लेटर वैदिक और उसका ट्रांजिशन की हम बात करते हैं तो दस राग युद्ध की चर्चा होती है दसवें मंडल में ऋग्वेद में, में है तो और उसको कहते हैं कि वो लेटर एडिशन है ऋग्वेद का यह सबसे बाद का एडिशन है उसमें पुरु की चर्चा होती है और उसके बाद वही जो नया क्षेत्र डेवलप होता है कुरु वंश और उसकी उसकी जोनोलॉजी पुरानों में और उसमें हमें मिलती है तो उसका बैक कैलकुलेशन और इम्पॉर्टेंट है कि कितनी पीढ़ी उसके बाद चल रही है और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा उसका कैलकुलेशन नक्षत्र विज्ञान का कैलकुलेशन और क्या उस क्षेत्र में जिस ज्योग्राफी की बात की गई है उस ज्योग्राफिकल लोकेशंस में ऐसे एविडेंस हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं कि इस तरह के लोग यहाँ पे रहते थे और इन सब को मिला के हमको महाभारत जैसे इवेंट को या महाभारत जैसे टेक्स्ट को समझना होगा ठीक okay. बट सर मैम अब ये एक्चुअली एक क्वेश्चन था जो मैं शायद आपको टुवर्ड्स द एंड पूछना वाला था इस पॉडकास्ट की बट क्योंकि अब हम इस बारे में बात करें तो ये बहुत रिलिवेंट हो जाता है इंडियन हिस्ट्री एग्जैक्टली है क्या बिकॉज ये कहाँ शुरू होती है कहाँ खत्म होती है ये बहुत कन्फ्यूज कन्फ्यूजिंग है क्योंकि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हरप्पन कल्चर था हरप्पन सिविलाइजेशन था इंडस वाली सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है बट इसमें भी अलग अलग फेजेस थे जितना मैंने रिसर्च किया इस पॉडकास्ट के लिए तो इसमें भी अलग अलग फेजेस थे एंड फिर हमारे पास में ऋग्वेद है हमारे पास में पुराण है महाभारत रामायण है तो ये एग्जैक्टली exactly हमारी इंडियन हिस्ट्री कहाँ से शुरू शुरू होती है और ये कहाँ तक जाती है अगर मटेरियल कल्चर की हम बात करें आर्क्योलॉजिकली अगर हम बात करें मैं एकदम आर्क्योलॉजिकली बात कर रही हूँ इस समय तो सिविलाइजेशन की जहाँ हम बात करते हैं तो हाँ हरप्पन सिविलाइजेशन हमारे यहाँ थी और वही अर्लीस्ट सिविलाइजेशन की बात है यहाँ तो अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन लेकिन लेकिन सिविलाइजेशन और कल्चर में बहुत अंतर है उस उससे पहले भी हमें बहुत कुछ मिलता है उससे पहले हमें हमारे पास पैलियोलिथिक पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड का मतलब जब जब हमारे मानव आना शुरूआ होमस एपियन सेपियंस आए उससे पहले के भी इवन हमारे पास रामापिथिकस का एविडेंस है तो अगर हम पैलियोलिथिक की बात करें तो वो तो बहुत हजारों साल पहले चला जाता है फिर उसके बाद हमारे पास न्योलिथिक कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो उसके बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास पूरे भारत में है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में पूरे भारत में हमें अलग अलग समय में न्योलिथिक कल्चर मिल रहे हैं उसके बाद ये कल्चर्स हैं ये कल्चर्स है और फिर हमारे पास आता है सिविलाइजेशन हरपन सिविलाइजेशन सो so, इसका डिफरेंशिएशन अगर आपको देना हो तो आप किस तरह से दोगे कल्चर uh, एक रीजनल फिनोमिना है hmm. कि आप जैसे आप बिहार में एक छोटा भोजपुर में एक कल्चर चल रहा है या मिथिला में एक कल्चर चल रहा है लेकिन जब आप सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो एक लंबी कंटिन्यूटी है जहाँ एक दूसरे के साथ आप एक्सचेंज कर रहे हो एक स्टैंडर्डाइजेशन है एक वेट एंड मेजर्स की स्टैंडर्डाइजेशन है एक मनी सिस्टम की स्टैंडर्डाइजेशन है तो एक जब स्टैंडर्डाइजेशन शुरू होता है तब वो सिविलाइजेशन डेवलप होता है एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ। ट्रेड, ये मेन कंपोनेंट है एक जो अलग अलग कल्चर रीजनल कल्चर को भी जोड़ता है जैसे हरपन कल्चर को इसलिए सिविलाइजेशन कहा जाता है क्योंकि एक बहुत लंबे जोग्राफिकल एरिया में आ, कल्चर डेवलप हुआ और उसमें एक यूनिफॉर्मिटी है यूनिफॉर्मिटी मीन्स की टेक्नोलॉजिकल यूनिफॉर्मिटी है आप अगर ब्रिक साइज देखें तो एक रेशियो उन्होंने डेवलप किया वन इज टू आपको हर जगह मिल रहे हैं आप चाहे हरप्पा चले जाइए चाहे कालीबंगा आ जाइए चाहे धौलावीरा आ जाइए मतलब आपको एक, एक एक यही रेशियो फॉलो कर रहे हैं वो एक, तो एक बहुत बड़ा जोन है जोग्राफिकली एक वेट एंड मेजर्स उन्होंने डेवलप किया तो चाहे इस जियोग्राफिकल रीजन में वो स्टोन अवेलेबल नहीं है वो बाहर से बोरो कर रहे हैं स्टोन लेकिन उस स्टैंडर्ड को वो मेंटेन कर रहे हैं इसका मतलब एक जो सिस्टम था वाटर सिस्टम से बढ़ के आप एक ट्रेड एक स्टैंडरइजेशन की ओर आ गए आपके पास बीट बनाने की टेक्निक्स सब जगह लगभग एक जैसी हो गई आपने टाउन प्लानिंग डेवलप किया कि हमारा ऐसे स्ट्रीट होना चाहिए ये हाउस प्लान होना चाहिए सैनिटरी सिस्टम सिविक होना चाहिए सिविक सिस्टम होना चाहिए तो वो एक लंबे एरिया तक डेवलप ट्रेड के लिए सील्स मिल रही हैं तो आपको वहाँ मिल रही है इतना लंबे समय तक आपको स्क्रिप्ट सिमिलर स्क्रिप्ट सिमिलर सील्स मिल रही हैं इवन सिर्फ हर, इस जो इंडिया में नहीं मिल रही जहाँ वो ट्रेड कर रहे हैं वहां भी मिल रही हैं तो वो दिखा रहा है कि पूरी सिविलाइजेशन के सारे कंपोनेंट इस समय हमको दिख रहे हैं okay. तो ये ये बेसिक डिफरेंस है कल्चर और सिविलाइजेशन सो so, uh, मैंने uh, आपको कट ऑफ किया था जब आप कह रहे थे कि uh, जो अर्लीस्ट uh, सिविलाइजेशन है हमारे यहाँ पे ये कहाँ से शुरू होता है फिर अगर uh, आप देखें uh, हमारे पास uh, जो एविडेंसेस है hmm. भारत में या भारत के अभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान उस और हम इंडियन उस, सब कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज जो प्रेजेंट ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हैं वो वहाँ तक हमारी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए वो एक बड़ा ज्योग्राफिकल एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो वो हमारा इंडियन सब की हम बात कर रहे हैं तो इसमें भी हम बात करेंगे वेस्टर्न पार्ट की तो हमारे पास सिक्स थाउजेंड बी के आसपास एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है एग्रीकल्चर डेवलप हो रहा है और आप कैटल्स और उसको डोमेस्टिकेशंस आप आपका डेवलपमेंट है फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी शुरू होता है जैसे आप कॉपर मेटल आ, आ, बनाना सीख रहे हैं बीट बनाना सीख रहे हैं स्टोन के यूजेस सीख रहे हैं है, आ, और आप अलग अलग मटेरियल पे काम करना शुरू करते हैं तो एक वो कल्चरल डेवलपमेंट है और फिर आता है सिविलाइजेशन की बात की और आपने डेट पूछा तो लगभग पैंतीस सौ के आसपास आके वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डेवलप होता है नेटवर्क uh, दिखने लगता है पॉटरी में दिखने लगता है अदर मटेरियल में दिखने लगता है ये क्लियर इंडिकेशन है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग डेवलप हो रही है एक दूसरे कल्चर के साथ और वो एक नीव बन रहा है सिविलाइजेशन uh, के लिए और uh, लगभग छब्बीस सौ पच्चीस सौ के आसपास आते आते uh, एक टाउन प्लानिंग डेवलप होने लगता है और एक स्ट्रॉन्ग स्टैंडाइजेशन डेवलप होने लगता, लगता है, है लगता और सिंगल कंट्रोल में दिवलग है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल विजिबल होता है क्लियर विजिबल होता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में एक नेशन के तरह हाँ अच्छा कह सकते हैं आपके एक नेशन हाँ हाँ उस ढंग से हमें दिखने लगता है क्योंकि वो चाहे आपका ईस्ट हो वेस्ट हो नॉर्थ हो हरप्पा हो कालीबंगा हो धोलावीरा सब जगह आपको वो स्टैंडर्डाइजेशन दिख रहा है वो कंट्रोल दिख रहा है वो ट्रेड लिंक दिख रहे हैं वो सारी चीजें दिख रही हैं वो जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होगा उसके अंदर पॉकेट में उनके अपने वो भी है रीजनल कंट्रोल्स हैं लेकिन वो रीजनल कंट्रोल्स कहीं ना कहीं किसी एक सेंट्रल कंट्रोल से बंधे हैं ऐसा लगता है कि एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो आ, हमने अलग अलग जगह पे अडोप्ट किया आ, बहुत आसानी से एक स्टेंडरशन एडोप्ट किया और आ, वो इसलिए कि आ, जो व्यापार था वो बहुत स्ट्रांगली बिल्ट हो रहा था और वो जब व्यापार बिल्ट होगा तो आपको कहीं स्टैंडर्डाइजेशन करना होगा जिससे आप आसानी से एक्सचेंज कर सकें आसानी से चीज़ों को आप एक दूसरे कल्चर के साथ एक दूसरे सेटलमेंट के साथ आप एक्सचेंज कर सकें यही कारण है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में या हम कहें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की हम बात करें हरप्पन कल्चर हम कहते हैं क्योंकि हरप्पा में सबसे पहले मिला इसलिए हरप्पन कल्चर के नाम से इसको समझा जाता है। है ये किसी जाता भी है। उस पे एक नॉर्मल हाँ, जहाँ हाँ। पहली बार जिस साइट पे मिलता है तो हम उस साइट से उसका नाम हाँ, दे हाँ, हाँ। देते है हाँ, हाँ। लेकिन बेसिकली ये अब सर, सरस्वती जो वर्तमान में सूखी हुई घगड़ या घगर के साथ चौतांग या अनब्यूटरीज है और इडस इसके बीच का जो पूरा पार्ट था इस पार्ट में ये डेवलप डेवलप हुआ है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कंटेम्प्रेरी अदर एरिया अदर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कल्चर नहीं थे नहीं। अलग अलग कल्चर डेवलप हो थे, नहीं। थे। नहीं। को एग्जिस्ट कर रहे थे लेकिन ये जो डेवलपमेंट है चूंकि ये व्यापार और बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था तो इसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन शुरू हुआ दूसरे कल्चर में भी मेट्रोलॉजी है उसमें भी लेकिन अभी हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रमाण ये नहीं है कि वेट इन मेजर्स और स्क्रिप्ट का स्टैंडराइजेशन था या नहीं था नहीं। लेकिन निश्चित रूप से होना चाहिए क्योंकि आप मेटल टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर रहे हैं उसके रेशियो डेवलप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक स्टैंडर्डाइजेशन तो डेवलप नहीं, हुआ है। तब नहीं, वो उसको नहीं होता। करना डिफिकल्ट लेकिन हो सकता है कि उस जियोग्राफिकल रीजन में उनका तरीका कुछ और रहा हो लोकल मटेरियल यूज़ कर रहे हों राइटिंग के लिए लोकल चीज़ें यूज़ कर रहे हों इसलिए शायद हमको प्रमाण के तौर पे या एक्सकवेशन में इस तरह के एविडेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं जैसे एग्जांपल अगर आ, आ, हम लोग मेजर करते हैं अपने हाथ से आप एक आर्टिजन को देखेंगे तो उसके लिए उसका स्केल उसका हाथ है स्केल नहीं है जो हम स्केल यूज करते हैं उसकी फिंगर्स हैं वो फिंगर से मेजर कर लेगा तो यही त, यही वो है कि वो कैसे स्केल तो जरूर है उसके पास स्केल कैसे करना है वो हमें अभी तक नहीं वो अनुभव से हमें पता चल जाता है कई बार आप, आप वो मिक्स करते हो ना डॉक्टर आप न वो देख के बता देता है ठीक है।, है हमारे सिस्टम में तो उसके तो कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे लेकिन अभी मॉडर्न साइंसेस के आपको एविडेंस मिलेंगे क्योंकि आप, आप उसका साइंटिफिक वो निकाल रहे हो हाँ। हाँ। है ना तो वो आपके पास पेपर है उसके प्रिंट आउट है लेकिन जो आप प्रैक्टिस में जो चीजें हैं वो, वो उससे कम एक्यूरेसी नहीं है उनकी हुँ। हुँ। अब हमारे पास सर्जरी के भी एविडेंसेस हैं तो तो अभी उस समय तो हमारे पास कोई एक्सरे नहीं था अच्छा हमारे पास सर्जरी तो के एविडेंसेस है ओके इंटरेस्टिंग तो ये ये एक एग्जांपल है कि उस वक्त एक्सरे तो नहीं था ना आज हम एक्सरे करके देख रहे है तो उस वक्त तो कुछ भी नहीं था वो सिर्फ एक्सपीरियंस था ओके वो अनुभव था वो वो कैसे क्या सिम्टम दिख रहे हैं उन सिम्टम क्यों आ रहे हैं उसका क्या कारण हो सकता है ओके okay. वाओ wow. uh, ये सर्जरी के जो एविडेंस मिलते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं किस साइड पे मिले हैं हमें <laughs> लोथल में हमें बरियल में एक स्कल मिली है जिसमें हमें एक क्लियर कट मार्क मिलता है जो दिखाता है कि वहाँ सर्जरी की गई होगी ओके वाह इसे बरियल से लेट्स डाइव इनटू सेनोली अब क्योंकि हमने ये बात किया कि हमारा सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ से शुरू होता है किस तरह से शुरू होता है सनौली पे फिटेन होता है इसमें सनौली लगभग 2100 बीसी के आसपास सनौली जैसे साइट डेवलप हो रहे हैं जिस समय एक तरफ सरस्वती और इंडस में हरप्पन कल्चर चल रहा है और उसके कंटम्प्रेरी गंगा यमुना दुआब में और उसमें भी सिमिलटेनियस कल्चर है एक दूसरे के साथ ये मिल रहे हैं एक्सचेंज कर रहे हैं चीज़ें तो सनोली लगभग इक्कीस सौ दो हज़ार बीस के आसपास का समय जाता है सनोली में और उसके जो एविडेंसेस हैं क्योंकि वो एक ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन में है जहाँ फ्लड के बहुत एविडेंसेस है फ्लड आता रहा है, है यमुना है। यमुना में बहुत ज्यादा फ्लड और वो, कोर्स वो, भी काफी भी बदला भी है रिवर का ये हमें किस तरह से पता चलता है कि फ्लड्स जहाँ पे फ्रीक्वेंट थे वो आप, आप सैटेलाइट इमेजरी से देख सकते हैं उसमें बहुत क्लियर उसके वेरियस कोर्स विजिबल होते हैं क्योंकि जब जब रिवर अपना कोर्स बदलती है या रिवर का फ्लड आता है ना तो उसके सेडिमेंटेशन होते हैं सेडिमेंट्स एलोवियल प्लेन में उसमें आपको स्प्रेड हो, हो जाता है तो उससे भी पता चलता है कि क्या इसे कितनी बार फ्लड आया अब अगर एरिडिटी है तो कैलकेरियस नूडल्स uh, बनने लगते हैं सॉयल में तो उससे ये पता चलता है कि इस समय एक्सट्रीम right एरिडिटी थी या जादा... नहीं थी और इवन uh, जो सैंड पार्टिकल्स हैं या सिल्ट है और uh, या क्ले है उसके एनालिसिस से भी पता चलता है कि उस समय कितनी बारिश हो रही होगी या उसकी क्या फ्लैट आती रहा है होगा। तो, तो, तो पानी और मिट्टी आती है फिर उसमें वो पार्टिकल सेटल हो जाते हैं फिर फिर वो सूख जाता है पानी रिजाइड कर जाता है दोबारा से नॉर्मल होता है लेकिन वो जो लेयर बन जाती है वो तो रह जाती है हमारे पास तो ये जो लेयर्स हैं वही हमारी हमको इन बताती है कि यहाँ ये कितना बार फ्लड आया होगा कितना फ्लड जोन होगा क्योंकि फ्लड आने का मतलब है कुछ भी है वो उस पर सब पर पानी और मिट्टी की एक एक लेयर आ जाएगी ओके okay. तो जैसे अगर हम एक्सकवेशन करेंगे और एक एक लेयर हमने कट की या हमने वर्टिकल देखा कि एक जगह पूरा सिल्ट लेयर आ रहा है फिर उसके नीचे फिर पॉटरी दिख रही है उसके ऊपर mm. वो तो यानी उस उस समय फ्लड आया होगा ओके सर मैंने आपको कट ऑफ किया था अगेन uh, सनोली की आप बात कर रहे थे कि किस तरह से इन होता है तो uh, उसे आप प्लीज कंटिन्यू करिए सर। हाँ सनोली इसलिए ये गंगा यमुना दुआब में इस तरह का के कंटेम्प्रेरी पीरियड के बहुत सारे साइट्स हैं जो सामिलटेनियस uh, डेवलपमेंट uh, हो रहे थे और हरप्पन कल्चर के साथ लेकिन हरप्पन कल्चर uh, में जो एविडेंसेस हैं वो और अर्ली पीरियड से जाते हैं लेकिन हरप्पा हरप्पन कल्चर जिसको हम मैंने बार बार कहा है कि इंडस आ, ना कहें या सरस्वती ना कहें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है तो यहाँ जो एविडेंसेस हैं पर्टिकुलरली वो लगभग सेमी ड्राई जोन है तो और यहाँ एविडेंसेस बहुत अर्ली पीरियड से हमें मिलने लगता है 6000 हज़ार और उस आस पास से हमें मिलने लगता है ऐसे कई साइट्स हैं बिराना है राखीगढ़ी है कुणाल है ऐसे कई साइट्स हैं जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है वहीं हम यमुना और उसके इसमें संदर्भ में आते हैं तो यहाँ चूँकि डिफरेंट कंडीशंस हैं या uh, जंगल है और uh, क्योंकि ये uh, एलोवियल प्लेन है फ्लड जोन है तो यहाँ का इन्वामेंट अलग है तो इस इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स में आपको आर्कियोलॉजिकल रिमेंस बहुत कम मिलते हैं और कम मिलेंगे क्योंकि आप जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं वो लंबे समय तक टिकेगा ही ओके okay, क्योंकि फ्लड्स के हाँ अब तो और दूसरा टिम्बर आर्किटेक्चर अगर आप बनाएंगे तो वो भी टिकेगा नहीं इसलिए उदाहरण के तौर पे आप देखिए पाटलिपुत्र जब बना तो ऊपर सारी चीजें टिम्बर की बनी थी टिम्बर के मकान थे आज रिमेन्स के लिए आपके पास बहुत कम है जबकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है अगर आप इंडस और दूसरे उसे कंपेयर कर, करें तो इंडस के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं क्योंकि वो सेमी एरिड जोन में है वहां ब्रिक स्ट्रक्चर भी बन रहा है स्टोन बन रहा है, तो हमको रिमेन्स मिल जाते हैं लेकिन जहाँ टिम्बर यूज हो रहा है जिस आ, लोकेशन पे वहाँ हमको रिमेंस नहीं मिलते सेम पीरियड के हमें पिलर्स तो मिलते हैं पिलर्स तो मिलते हैं क्योंकि वो सोन में बने हैं लेकिन आर्किटेक्चर कहाँ चला गया वो क्योंकि फ्लड्स थे या हाँ। और टिम्बर है पेरिशेबल मटेरियल है हाँ। तो, तो, उसका सर्वाइवल वो बहुत कम है या तो वो डिकम्पोज हो गई है तो उसका मिलना बहुत मुश्किल है इसलिए सनौली जैसे साइट Uh, के एक्सकवेशन ने एक नए दृष्टिकोण की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया uh, क्योंकि यहाँ जो बरियल में जैसा अरविंद ने बताया भी कि बरियल एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस हैं या इंटरप्रटेशन uh, के लिए कि हमारा कल्चर कैसा रहा होगा उसमें चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट हो रिलीजियस एस्पेक्ट हो uh, या लाइफ स्टाइल की बात हो तो सनौली के एक्सकवेशन में जो हमें uh, कॉफ़िन मिले uh, जो शव रखने के लिए जो बॉक्स बनाए गए थे उस बॉक्स में इनले की डिज़ाइनिंग है जैसे आप आज के डेट में शीप और वो कार्विंग करके लकड़ी में फिट करते हैं वो डिज़ाइनिंग है और कुछ कॉफिन मिले जिसके ऊपर कॉपर का शीट लगाया गया है और बहुत छोटे छोटे नेल से उसको टाई किया गया है तो ये इंडिकेट करता है कि इस रीजन में जो लोग थे वो लकड़ी के सामान बनाने में बहुत दक्ष थे तो जब 2000 हज़ार में लकड़ी के बनाने में की जो तकनीक थी उनके पास वो इतना इंट्रिकेट था कि उसमें माइन्यूट कार्विंग कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना रहे हैं उसमें इनले कर रहे हैं लकड़ी के ऊपर कॉपर लगा रहे हैं इसका मतलब ये बहुत साफ इंडिकेशन है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पे टिम्बर आर्किटेक्चर में चल रहा था तब ये जाके दो हज़ार में इतना सुंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को बना पाओगे दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो बरियल में शब के बॉक्सेस जो हैं उसके साथ साथ हमें तलवारें मिली हैं जो कॉपर की हैं हेलमेट है, है कॉपर का है और लकड़ी की शील्ड है जिसके ऊपर कॉपर के की डिज़ाइन की गई है इनले किया गया है और कुछ शील्ड है जिसमें स्टेटाइट की डिज़ाइन की गई है ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स और वो बनाए गए उसको इनले करके तो ये क्लियर इंडिकेशंस हैं कि दे आर द मास्टर्स और वो सिर्फ uh, लकड़ी के उसमें तो मास्टर थे ही और कॉपर की तकनीक में भी वो बहुत मास्टर थे क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत सारे लोग कहते हैं कि कॉपर की तलवार कितनी इफेक्टिव होगी लेकिन कॉपर को कैसे आप फोर्ज कर रहे हो उसको उसमें हार्डनेस कैसे डेवलप कर रहे हो उसके हीटिंग टेक्निक से वो उस तकनीक को दिखाता है कि वो तलवार को कैसे बना रहे हैं जिसमें दोनों साइड एज है बीच में मीडियल रिज है जिससे बहुत इफेक्टिव हो सकता है और टॉप में पॉइंट है हिल्ट है हिल्ट के साथ पोमेल है आ, जो आ, वी सेप के पोमेल भी हैं और आ, यू सेप के पोमेल पॉ, भी हैं ये एंटीना सोर्ड्स है एंटीना या, या, या तो जो इसको हम एंटीना सोर्ड कहते हैं वो एक्चुअल में पोमेल है यानी हैंडल से आपके हाथ को प्रोटेक्ट करेगा अदरवाइज आप अगर किसी चीज में पियर चला करेंगे चला। तो आपका हाथ तो आगे चला जाएगा ना आप, आप, हाँ। आप खुद आप इंज्योर्ड हो जाएंगे तो इसलिए वो पॉमेल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बाद में आप देखेंगे तलवारों में राउंड करके है, आ, आ, वो डेवलप हुआ कि आपको अगर कोई हिट करे तो, तो आ, आपका हाथ हाथ बच जाए तो एक्चुअल ये तकनीकी विकास को बहुत अच्छे से दर्शाता है कि किस तरह से तकनीकी डेवलपमेंट हो रहा है और वो सोसाइटी के रिफ्लेक्शन को दिखाता है कि चूंकि अगर एक ऑब्जेक्ट अगर मिला है तो उसको बनाने की प्रक्रिया है उसको यूज करने की प्रक्रिया क्योंकि आप इतना समय इसलिए नहीं लगाओगे कि आपको डेकोरेटिव चीजें बनानी है और अगर डेकोरेटिव बनाना है तो उसमें आप चेंजेस नहीं लाओगे है ना तो वो तो बस एक एक ही शेप में चलता रहेगा चलता रहेगा आप उसको ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए जो उसमें चेंजेस कर रहे हैं वो तब आएंगे जब आप उसे यूज कर रहे हैं रेगुलरली आपके प्रैक्टिस में है तभी तो आप उसको इम्प्रूव करोगे आपको ऐसा लगेगा अच्छा हम ये जो शेप बना रहे थे उससे थोड़ा टच हो रहा है तो ऐसे अगर हम चेंज कर दें तो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा तो ये जो तकनीकी विकास है वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है किसी सोसाइटी क्या वो ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी या वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी सोसाइटी इतना सेटलमेंट उनका नहीं था तो ये सारी चीजें और दूसरा बरियल प्रैक्टिस अगर बरियल प्रैक्टिस में आप ऑफरिंग कर रहे हैं और एक एक ही जगह पे बरियल प्रैक्टिस कर रहे हैं और जहाँ बहुत सारे बरियल्स मिल रहे हैं इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी थी और लंबे समय तक वहां रह रही थी तभी आपका कई जनरेशन का वहां पे बरियल होंगे क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि एक बरियल के बाद जब दूसरा बरियल होता है तो उसके बीच में 40-50 साल का गैप होता है तभी ओवरलैप होगा क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी बताता है पहले कि नहीं यहाँ पे मत करो यहाँ पे पहले बरीड हुआ था और आज भी ये प्रैक्टिस है कि एक बुजुर्ग आदमी जाता है तो वो सब बताता है कि कहाँ पे क्या क्या था तो यहाँ पे तीन स्पष्ट लेयर मिले हैं में कि अर्ली है फिर उसके ऊपर भी है उसके ऊपर भी है तो कम से कम 200 साल का के आपके पास तो यहाँ पे क्लियर एविडेंसेस हैं हम उसे इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एक सोसाइटी थी पहले उनके बरियल है फिर कुछ साल बीत गए फिर दूसरे सोसाइटी नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल एक ही सोसाइटी है सोसाइटी में कोई चेंज नहीं है इसमें हाँ, इसमें इस है हाँ, इस जो बताया जा रहा वो जनरेशन का गैप बताया जा रहा है कि वो कॉन्टिन्यूसली उस साइड पर एक लंबे समय तक एक जैसे लोग रह रहे थे इसलिए हमें जो लोअर लेवल पे रिमेन्स मिल रहे हैं जो और जो ऊपर के लेवल में मिल रहे हैं वो वो सिमिलर है लेकिन टेक्नोलॉजिकली लिटिल एडवांस अच्छा सो इसीलिए जनरेशन जनरेशन ओके Uh, पर सर uh, अब यहाँ पे लेट्स ट्रैवल बैक टू दैट टाइम 2005 थाउजेंड फाइव में आई थिंक सो फर्स्ट टाइम सनौली में जो एक्सकवेशन हुए थे फिर 2018 में थे जब आप दोनों भी uh, उसमें इन्वॉल्व थे फर्स्ट uh, सबसे कौन सी चीज मिली थी जिसको लेकर आपको लगा था कि ओके ये कुछ बड़ा हो सकता है मैं इसमें पहले थोड़ा सा ऐड करती दू आपने एक क्वेश्चन पूछा था बायस होने पर तो यहाँ बायस की बात नहीं है लेकिन यहाँ बात है पर्सन टू पर्सन ऑब्जर्वेशन की और उस ऑब्जेक्ट को देखने की हर आदमी की अपनी क्वालिटी और अपनी लिमिटेशंस होती हैं और हम ह्यूमन बीइंग हैं मैं एक आर्कियोलॉजिकल साइट को कैसे देखती हूँ और कैसे उसके बारे में आपको बताती हूँ ठीक है वहाँ एविडेंस लिमिटेड है उन लिमिटेड एविडेंसेस से मैंने क्या क्या सोचा और मेरे को क्या समझ आया मैंने बताया आपने क्या सोचा आपको क्या समझ आया ये आपने बताया एविडेंसेस वही हैं एविडेंसेस वही हैं लेकिन उसको देखने का एंगल और समझने का तरीका इंटरप्रिटेशन ऑब्जर्वेशन ये यहाँ चेंज हो जाता है तो साइट तो वही थी सनौली जब उसके कुछ ऑब्जेक्ट हम वो मैं एक्सकविशन ब्रांच में पोस्टेड थी एस एक्सकवेशन ब्रांच सुप्रीटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकवेशन ब्रांच और सनौली का एक्सकवेशन एक्सकवेशन ब्रांच दिल्ली ने पहले किया था तो ड्यूरिंग उसका अरेंजमेंट उन ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट और उनको ढंग से रखने के उसमें सनौली का एक बरियल था जो जिसमें कि बरियल के जो मिट्टी थी या क्ले था जो क्ले चंक था जो लिफ्ट करके लाया गया था उसके एक नीचे एक कॉपर बाउल था और करीब ट्वेंटी सेंटीमीटर एक स्केलेटन था ओके okay. अब आ, हम दोनों को यह समझ में नहीं आ रहा हम लोगों ने उसे देखा और डिस्कस किया कि इसमें एक नीचे बाउल है ऊपर एक स्केलेटन है बाउल का इसके साथ क्या रिलेशन है hmm. फिर पुराने जो रिपोर्ट्स थी या उसको भी देखने की कोशिश की उसमें भी कहीं ये नहीं पता चल रहा था कि इन दोनों का क्या रिलेशन है ओके okay. फिर एक ऑब्जेक्ट था जिसमें कि वेरियस कॉपर इनलेस लगे हुए थे कॉपर पीसेस लगे हुए थे अब उसे कहा उसको जो एक्सकवेटर ने डिस्क्राइब किया था वो डिस्क्राइब किया कि ये एक सिम्बॉलिक uh, बरियल है ऐसे ही और बहुत सारी चीजें थी सिंबॉलिक बरियल मतलब? सिंबॉलिक बरियल मतलब किसी किसी की डेथ कहीं और हो गई और उसको आप किसी तरीके से उसके बॉडी रिमेन्स को वहाँ जहाँ पर उसकी फैमिली है या जहाँ उसका घर है वहाँ तक नहीं ला पाए या फिर हो सकता है कि कोई जानवर उसे खा गया या फिर वॉर में वो उसकी वहीं पे डेथ हो गई तो उस केस में हम क्या करते हैं कि उसकी जैसे समाधि बनाते हैं तो हम सिंबॉलिकली उसकी बिलोंगिंग्स को जैसे उसकी अगर कुछ सामान है क्योंकि यहाँ जो जो सिस्टम है वो बिलीव इन आफ्टर लाइफ है कि हमारे मरने के बाद भी हमारी हमारा हमारी ज़िंदगी चलती है हमें उन सामान की ज़रूरत पड़ती है इसीलिए हम बरियल में वो सामान रखते हैं तो उसके बॉडी रिमेन्स तो नहीं मिले लेकिन उसकी जो ज़रूरत होगी उन चीज़ों को हम बरियल में रख देते हैं वो सिंबॉलिक बरियल हो गया तो यहाँ कहा गया कि वो उस उसी को सिंबॉलिक करके कि वो जो जो अभी नहीं है जिसकी बॉडी रिमेन्स नहीं मिले वो यही है इसको हमने ये सब ऑफ़र कर दिया तो ये सिंबॉलिक बरियल हुआ हमारे पास एक्सटेंडेड बरियल सिंबॉलिक बरियल और पार्शियल बरियल तीन टाइप के बरियल के रिमेंस मिलते हैं तो आ, अभी हम बात कर रहे थे तो ये इस पर बाद में बताते हैं तो हम जब आ, ये सब ऑब्जेक्ट देख रहे थे कुछ कॉपर पाइप्स भी थे लेकिन वो कहाँ से आए क्यों थे वो कॉपर पाइप कुछ क्लियरिटी नहीं थी फिर उस एक्सकविशन में जो सबसे बड़ी बात थी ये कि इतना बड़ा उस एक्सकविशन में वन सिक्सटीन बरियल्स मिले लेकिन हैबिटेशन साइट नहीं मिली अच्छा तो आप कहाँ से ला रहे हैं बरी करने के लिए हम आज भी क्रीमेशन ग्राउंड क्लोज टू हैबिटेशन होता है हमारे टाउन में तो बल्कि विद इन टाउन आजकल हम बनाने लगे हालांकि जो हमारा पहले का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जहां हम रहते हैं उसके बाहर हम क्रीमेशन ग्राउंड बनाएंगे या बरियल ग्राउंड बनाएंगे लेकिन अब मॉडर्न उसमें इतना ज़्यादा अर्बन वो हो गया कि हम लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे सनौली के उसमें बरियल तो मिल रहे हैं हमें स्केल्टन तो मिल रहे हैं रह कहाँ रहे थे वो वो उनकी जगह कहाँ थी कौन लोग हैं किसको लाकर बरी कर रहे हैं और कहाँ से ला रहे हैं कोई तो एक प्लेस होगा तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे तो उस उन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए हमने डिसाइड किया कि एक बार हमको सनौली साइट को रिविजिट करना चाहिए ओके okay. तो इसलिए हमने एक, एक थोरो एक्सप्लोरेशन सनौली सा, आ, साइट का किया जबकि हम बरनावा बरनावा में एक्सकवेशन कर रहे थे वहाँ से वो लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है सनौली तो वहाँ भी हमने एक्सप्लोरेशन किया और जब एक्सप्लोरेशन हम लोग कर रहे थे तो वहाँ हमें कुछ गांव वालों ने भी हमें बताया और हम लोगों ने खुद जाके जब चेक किया कि खेत में पॉटरी तो है पॉटरी के साथ साथ टाइनी कॉपर के पीसेस भी दिख रहे हैं कहीं कहीं तो ये कहाँ से आ रहा है तो इस यही सारी चीज़ें थीं जिसको लेकर हमने सोचा कि हमको सनौली में एक रिविजिट बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट उस, उसका ये पता चले कि हैबिटेशन कहाँ है और कितने एरिया में वो साइट है इस इन पर कोई क्लियरिटी नहीं थी एक साल पूरा काम हुआ लेकिन ये कुछ क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन ही बने हुए थे तो उनको उन, उन पर सोचने के लिए हमने रिविजिट डिसाइड किया इस साइट

उसमें जो रिमेंस मिले 116 सो बरियल उस समय एक्सकवेट हुए थे नो डाउट वो बहुत आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी थी उस समय के लिए और वो एक बहुत सारे सवालों को क्रिएट कर रही थी क्योंकि उसमें जो मटेरियल था उस मटेरियल में सोट भी थे उस मटेरियल मे, उस में कुछ ऐसे पॉट्स थे जिनको उन्होंने हरप्पन या लेट हरप्पन कहने की कोशिश की तो ये जो बहुत सारे एविडेंसेस मिले और उसका जो इंटरप्रटेशन किया गया वो इंटरप्रटेशन इतना कन्विंसिंग नहीं था जिसपे आसानी से हम जैसे आर्कियोलॉजिस्ट उस पे बहुत आसानी से वो कर सकें एक कारण और दूसरा बहुत एलोबरेट से बताया कि किस तरह से हमने उसको रीविज़िट का फैसला लिया और जब हम सनोली पहुँचे कई बार हमने सनोली का एक्सकवेशन के पहले कई विज़िट किए सनोली का और खेत के हर मेड़ और उसके उसको स्टडी किया कि कहाँ पॉटरी मिल रही है कहाँ पे किस तरह के एविडेंसेस मिल रहे हैं पहले के एक्सकवेशन जो हुए थे उसकी लोकेलिटी क्या है और हमको क्या नया देखने के लिए कहाँ पे एक्सकवेशन करना चाहिए ये सब जब हम जजमेंट पे आए तो हमने देखा कि जो एनसियनट पॉसिबली एंसियनट वाटर बॉडी या जो अभी प्रेजेंट वाटर बॉडी है वो कहाँ पे है और वाटर बॉडी के नज़दीक नॉर्मली जो रॉयल या जो लोगों ने एकपेशन किया होगा जो एक्पाई किया होगा वो कहाँ हो सकता है हैबिटेशन किस पोर्शन में हो सकता है कि लोग कहाँ रह रहे होंगे तो ये सारे चीज़ों को असेसमेंट करने के बाद हमने एक ट्रेंच डिसाइड किया Uh, कि यहाँ पे हम एक ट्रेंच लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ uh, कॉपर के टाइनी पीसेस भी मिल रहे थे और ये लोकेलिटी लगभग हंड्रेड uh, मीटर और हंड्रेड ट्वेंटी मीटर अवे था जो पहले के एक्सकवेशन हुए थे उससे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उसका एक्सटेंशन कहाँ तक है उस बरियल का और दूसरा अगर कुछ स्पेशल है यहाँ पे तो वो भी पता चलेगा दूसरा हमारा एक और उद्देश्य था कि इसको छोटे एक्सकविशन करके साइंटिफ्ट बहुत साइंटिफिक एक्सकवेशन किया जाए जिससे मल्टीपल सैंपल्स लिए जाए और उसकी डेटिंग है या उसके और कल्चरल एस्पेक्ट को और बेहतर तरीके से समझा जाए जो पहले समझा गया था उसमें और एडिशंस क्या हो सकते हैं इत्तेफाक से जब हम लोगों हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम यहाँ पे एक ट्रायल डिग लेते हैं तो 10 बाई 10 का एक ट्रेंच हमने लेड आउट किया उसकी एक सर्टेन पद्धति है टेक्निक है कि किस तरह से ट्रेंच लेआउट करते हैं उसको कई चार भागों में डिवाइड करते हैं उसके सेक्शन छोड़ते हैं तो ये और फिर उसका अगर फर्दर एक्सटेंशन की ज़रूरत है तो फिर अगला दस बाई दस का हम ट्रेंच ले ए, बनाते हैं और उसको एक्सटेंड करते हैं तो पहले सीजन के एक्सकविशन में हमने लगभग आठ बरियल एक्सकवेट किए अलग अलग जगह पे और जो पहला बरियल हम लोगों ने एक्सकवेट किया था उसमें जो फाइंडिंग्स मिल रही थी वो बहुत इंटरेस्टिंग मिल रही थी कॉपर और उसके साथ साथ बरियल भी आपने एक्सकवेट किया था तो यहाँ पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग दो टेक्निक्स होती है राइट एक हॉरिजोंटल एक वर्टिकल डिगिंग की जिसमें आपने पहले हॉर्जोंटल ट्राई किया एंड देन वर्टिकल किया था ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल जो ट्रेंच हम लेड ले आउट करते हैं उसके बाद हम सरफेस क्लीनिंग करते हैं सरफेस क्लीन करके फिर धीरे धीरे डिगिंग स्टार्ट करते हैं नॉर्मली पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का हाँ हाँ नॉर्मली जो हम बरियल एक्सकोट करते हैं या हैविटेशन एक्सकोट करते हैं तो हैविटेशन साइड पर अगर हमको सिर्फ कल्चरल क्रोनोलॉजी को जानना है यानी ऊपर से नीचे ये पता करना है कि कैसे कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है तो हम वर्टिकली देखना होता है क्योंकि ऊपर से नीचे तक का जब तक नहीं देखेंगे तो नीचे का सबसे पुराना है ऊपर का सबसे नया है मॉडर्न है तो उसको देखने के लिए हम आ, को वर्टिकली जाना पड़ता है हॉरियटल देखना है तो कैसे स्ट्रक्चर की बिहेवियर क्या है प्लानिंग क्या है उसको देखना है तो हमको हॉरिएटल करना होता है बरियल एक लिमिटेड एरिया में होता है क्योंकि हमको पता है कि बरियल का ट्रेंच आपको एक आदमी को बरीड करना है तो कितना बड़ा वो गड्ढा खोदेंगे और फिर उसमें डालेंगे तो उसकी उसकी टेक्निक अलग है लेकिन उसको जब भी खोदना होगा उनको हॉरिजेंटल ही खोदना होगा शुरुआत में क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि कहाँ क्या चीज़ें रखी गई हैं और बरियल कैसा है तो हमने जो शुरुआत किया था हॉरिजेंटल खोदने की शुरुआत की क्योंकि पिट का एक लाइन पता चल सके कि पिट कितना बड़ा है कितना बड़ा बरियल के लिए गड्ढा खोदा गया है और उसमें क्या क्या चीज़ें ग्रेजुअली रखी गई हैं और कैसे रिचुअल किया गया है यहाँ इनोवेटिव uh, आइडिया क्या था इनोवेटिव आइडिया ये था कि जब हम एक्सकवेशन कर रहे थे तो आप किसी चीज के एलिवेशन को अगर देखना देखना है है ऊपर से नीचे है, तो एक्सकवेशन में सिर्फ उसका टॉप सबसे पहले दिखेगा उससे आप ये नहीं समझ सकते कि नीचे नीचे वाला शेप कैसा होगा तो उसको करने के लिए आप हॉरिजेंटली अगर आप खोदते चले जाएंगे तो फ्रेगमेंट में चीजें आएंगी ऊपर वाला पहले निकल जाएगा फिर उसके नीचे वाला मिलेगा फिर उसके नीचे मिलेगा तो उसको देखना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम उसको कैसे समझें तो सबसे पहले जब हम हॉरिजेंटल एक्सकवेशन कर रहे थे तो हमने चीजों को मार्क करना शुरू किया कि सरफेस पे क्या दिख रहा है जब हम हॉरिजेंटल कर रहे हैं तो उसका शेप क्या है अगर तो हमने सबसे पहले जो शेप निकला वो एक रेक्टेंगल से बना रहा था जिसमें कॉपर के छोटे छोटे रिबेंस दिखाई दे रहे थे जब हम उसमें पिन हमने लगाया और एक मार्क किया तो दिखा कि ये एक रेक्टेंगल शेप बना रहा है तो अगर ये रेक्टेंगल शेप बना रहा है तो इसका एलिवेशन क्या है ये समझना जरूरी था तब हमने उससे पाँच इंच इधर पाँच इंच इधर जगह छोड़ के धीरे धीरे नीचे की तरफ़ जाना शुरू किए यानी वो वर्टिकली जाना हमने शुरू किया और एक बार जब हम वर्टिकल गए तो उसके बाद फिर उसके साइड वाले सरफेस की तरफ धीरे बहुत स्लो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से छोटे छोटे टूल से हमने उसको स्क्रैप करके उसके हॉरिजेंटली उसके वॉल को देखना शुरू किया और उस वॉल को जब देखा तब एकाएक अमेजिंग आइडियाज आए कि अरे इसमें तो इले है इसमें तो कॉपर लगाए गए हैं इसके इसके कॉफिन के जो स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ डिजाइनिंग की गई है ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मैं बताती हूँ सर पूरा उसमें नहीं बता रहे एक्चुअल में सर ही एक्सकवेट कर रहे थे ये जब रेक्टेंगुलर मार्क हो गया और वर्टिकल जाना था तो सर ने कहा कि मैं थोड़ा सा एक जगह ट्राई करके वर्टिकली जाकर देखता हूँ तो जब वो वर्टिकली जा रहे थे एक एज पर उसके तो वहां सडनली कॉपर विजिबल हुआ ओके। okay. तो जैसे ही वो कॉपर दिखा सर ने एकदम वो बिग टूल से जो हम करते हैं उसको एकदम स्टॉप किया कि नहीं इससे एक्सकन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कॉपर विजिबल mm. तब हम लोगों ने शुरू किया स्मॉल डेंटल टूल यूज करना mm. तो उन टूल से वो जब हम उसके ऊपर जो जो जितनी भी क्ले थी वो जब हटाए तो एक सिलेंड्रिकल कुछ विजिबल हुआ कॉपर का अब ऊपर एक रेक्टेंगुलर आपको दिख रहा है उसके एक साइड पर आपको एक सिलेंड्रिकल कॉपर दिख रहा है जो जो उससे अटैच होके नीचे तक जा रहा है अब ये तो आ, मिस्ट्री जैसा हो गया ये क्या हो सकता है कुछ समझ नहीं आ रहा है तब फिर अगेन जहां वो एंड किया उस एंड तक तो हमने माना कि यहां पर एंड कर रहा है यानी ये इस पे रेस्ट कर रहा है hmm. तो एक इंडिकेशन आ गया कि ये हमारा रेस्ट uh, है फ्लोर है Then, sun, उसके बाद हमने उसको ऑल डायरेक्शन में उसी ढंग से स्लोली जाने की शुरुआत ओके okay. और जब स्लोली आप उस, उसमें आगे बढ़े तो उस उसमें आगे बढ़ते हुए दूसरे एंड पर भी आपको वैसा ही सिमिलर एक और सिलेंड्रिकल hmm. कॉपर का वो दिखा ऑब्जेक्ट अब इस सच पर भी है इस सच पे भी है तब क्लिक किया कि ये क्या है ये ये ऐसा तो नहीं है कि ये फोर साइड है देन उसको मेजर किया यहाँ आया आपका ऑब्जर्वेशन और आपकी एक्सपीरियंस तब उस उसको मेजर किया कि वो नेक्स्ट फर्दर एंड पर जो अभी एक्सकवेटेड नहीं है स्टील अंदर सॉयल है उस तरफ मेजर करके वो कितने डिस्टेंस पे आएगा उसको एंगल करके जब कट किया तो सिमिलर हमें ऑल फोर लेग्स मिल गए राइट right. और जब चार लेग आपके सामने आ गई और ऊपर आपको एक वो दिख रहा है तब उसको जब स्लोली एक्सकवेट किया तो लगा कि अरे ये हो सकता है कि एक बॉक्स जैसा कुछ है hmm. लेकिन स्टिल ये मिस वो है कि बॉक्स है तो पहले तो बॉक्स लगा कि बॉक्स है, हो सकता है कॉफिन हो ऊपर तब तक हमें स्केल्टन रिमेन्स दिखने लगे तो हो सकता है कि ये कॉफिन हो देन जब हम उसे हमने एक्सकवेट किया साइज से एक्सकवेट करना शुरू किया तो उस पर बहुत सारे टाइनी बीट्स मिले बहुत सारे टाइनी बीट्स जो कि ऐसे फैशन में लगे हुए थे मतलब कि जैसे आप कुछ आ, गार्लेंड ऑफर करते हैं वो उस फैशन में थे स्टिल जब उसको फर्दर एक्सकवेट किया तो देखा कि वो यहाँ आकर रुक रहा है कुछ और नीचे समझ नहीं आ रहा है देन स्लाइटली अंडर कट किया okay. जब आप अंडर कट हम लोग किए उसको तो नीचे हमें कुछ और कॉपर ऑब्जेक्ट दिखे अब कैसे हो रहा है ऊपर एक रेक्टेंगुलर है फोर लेग्स है और नीचे जो स्लाइटली आपने अंडर कट किया है उसमें अंडरकट में आपको कुछ सामान दिख रहा है तब उसको और थोड़ा अंडर कट किया और हमें कुछ और मिला तो समझ आया कि एक्चुअल में ये लेग्ड कॉफिन है ओके लेग्ड कॉफिन अस इन कॉफिन को एक चीज को हाँ, कॉफिन बॉक्स कॉफिन नहीं है कॉफिन लेग्ड कॉफिन जैसे एक खाट होता है ना खाट के चार पाए होते हैं और नीचे आपको होलो होता है आप, आप आज भी खाट के नीचे सामान रख देते हैं ना बिल्कुल वैसे okay. सिमिलरली बॉक्स है जिसमें आपकी डेड बॉडी होगी और वो खाट के चार पावे हैं और नीचे उन्होंने उनके बिलोंगिंग्स रखे हैं okay. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि नीचे अंडर कट करके देखना yeah. कि अंडर कट करके नीचे क्या क्या चीजें रखा है और वो चार लेक को भी एक्सपोज करना और ऊपर के चीजों को भी एक्सपोज करना तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्सकवेशन था जिसमें आप ब्लैंक है कि आपके पास प्रीवियसली एक सिंगल एग्जांपल इस टाइप का एक्सकविशन का नहीं है हाँ, कभी इस इस तरह तरह के हुए ही ही नहीं नहीं किसी ने एक्सपेरिमेंट किया इस से कि आप ऊपर हॉरिजेंटल कर रहे हैं फिर उसके बाद वर्टिकल करके उसके एलिवेशन को देख रहे हैं फिर नीचे अंडर कट करके उसके उसके और चीजों को भी देख रहे हैं कि नीचे क्या रखी हुई है तो ये एक मल्टीपल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था तो कितना टाइम लगा ये लगभग महीने नहीं एक बरियल को करने में हमें सबसे ज्यादा टाइम लगा लेकिन एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ गई देन स्टैटिस्टिक्स तब ऑब्जर्वेशन काम किया और तब हमारा वर्क बहुत फास्ट हो गया अच्छा जो मैंने पहले एवरेज देखिए ये आपको क्ले में काम सॉइल कॉम्पैक्ट सॉइल में काम करना आप सनोली की सॉइल देखेंगे तो जब आप एक्सकविशन जब बिलो द ग्राउंड जाते हैं थोड़ा सॉफ्ट है और तो वेट वेट है और उसका कलर भी डिफरेंट है लेकिन जैसे ही आप अगले दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं नेक्स्ट डे आके अगर उसे आप स्क्रैप करना चाहें बहुत मुश्किल है उसे स्क्रैप वो एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है स्टोन की तरह कॉम्पैक्ट हो जाती है तो आपको जितना एरिया काम करना है वो आप वो आपको उस दिन एक्सपोज करना ही पड़ेगा अदरवाइज आप आप फिर उसे अगर छोड़ दिया तो वो उसको एक्सपोज करना डिफ़िकल्ट यानी तो हाँ सीमेंट के जैसे अगर आपने एक कॉपर के डिज़ाइनिंग को एक को आपने एक्सपोज कर दिया तो वो तो अच्छे से एक्सपोज हो गए लेकिन उसके साथ वाला एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा उसको एक्सपोज करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तो कभी कभी हम लोग इस बात का भी ध्यान नहीं रखते थे कि अभी लंच टाइम है या नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता था कि वो काम को एंड तक लाना उतने पोर्शन को एक्सपोज करना और ये एक्सपोज करने में हम बहुत ज्यादा हरी नहीं हो सकते थे इसको फास्ट करना उसको डिस्ट्रॉय करना ओके okay. तो आपको उस काम को भी करना है आपको उतना पार, पार्ट एक्सपोज़ भी करना है लेकिन दूसरी तरफ आप उसमें कुछ भी चीज डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे ये, तो हाँ तो कर तो तो ये एंटायरली पहली बार सामने आ रहा है हमारे पास इस टाइप से कभी कोई एग्जाम्पल नहीं है और जो हम कर रहे हैं अच्छा इसीलिए हम लोग हर दिन एक नया टूल यूज करने की कोशिश करते थे किस किस टूल से हम ज़्यादा परफेक्टली उसको एक्सपोज कर पाएंगे इसलिए हमने अपने हिसाब से टूल्स बनवाए अच्छा ओके कि अब जो हमारे यूजुअल टूल्स होते हैं जो हमें एक्सकवेशन में करते हैं उसमें ये टूल्स काम नहीं कर रहे थे उन टूल्स से हम एक्सपोज नहीं कर पा रहे थे तो हमने अपने हिसाब से इस एक्सकवेशन में टूल्स भी डिज़ाइन किया कि किस टूल को करने में मुझे क्या मेटिकुलसली और परफेक्टली हम उसे एक्सपोज कर पाएंगे उसको मिनिमम uh, उसमें कुछ ख़राब किए बिना तो ये 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 चीज़ें करने में फर्स्ट में बिल्कुल हमको टाइम लगा क्योंकि वो था लेकिन सेकंड तक आते-आते एक एक्सपीरियंस आ गया हमारे पास टूल्स आ गए उस 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 सरफेस पे काम करने का एक्सपीरियंस आ गया हमारे हाथ एक्सपर्ट हो गए तो सेकंड थोड़ा जल्दी हो गया ओके बट फर्स्ट वाले के लिए अराउंड थ्री मंथ्स लगे थे नहीं थ्री मंथ्स में हमने एक, एक फर्स्ट से, सेशन एक सा, हमारा सिमिटेनियस एक्सकवेशन चलता रहता है हाँ। कि इस पे भी हो रहा है इस पे इस भी, भी, हो भी हो रहा है, हो रहा है। और कई जगह काम हो रहा है नॉर्मली ये सोचते हैं कि जो एक्सकवेशन डायरेक्टर होता है या आ, जो हम डायरेक्शन वो लोग काम नहीं करते हैं वो सिर्फ डायरेक्टर का काम करते हैं और बाकी जो को आ, जो हमारे स्टाफ होते हैं लेबर होते हैं वो लोग काम करते हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं है जब आप जब हम लोग काम करते हैं या हम लोग जब साइट पे जाते थे तो गांव वाले ये पहचान भी नहीं पाते थे कि कौन लेबर है और कौन आर्कियोलॉजिस्ट है और कौन डायरेक्टर है तो हमने कभी ये नहीं सोचा एक्सकविशन में कि हमें काम नहीं करना है क्योंकि हमें पता था कि ऐसी चीज़ों को जब तक आप खुद काम नहीं करोगे खुद विजुलाइज़ नहीं करोगे खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आप दूसरे को अपने आ, को अपने को, उसको, या लेबर को आप उसको गाइड भी, भी नहीं करके कर तो तो कर देखना होगा कि किस टूल से और कितना कैसे इफेक्टिवली मैं एक्सपोज कर पा रही हूँ तब मैंने अपने असिस्टेंट को बताया कि इस पार्ट को तुम तो इस ढंग से करो तब वो उस ढंग से कर तब पाएगा वो लगातार कंस्टेंट मॉनिटरिंग कंस्टेंट इन्वॉल्वमेंट और आपको डेडिकेशन से आपको वहां रह के ट्रेंच में काम करना होगा खुद एक्सपोज करना होगा खुद अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी तब तक आप कभी भी बेस्ट रिजल्ट नहीं दे सकते यही कारण है कि इस एक्सकवेशन ने एक नया ट्रेंड शुरू किया एक नई चीज़ें दी कि एक एक्सकवेटर का आ, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है आ, आपको अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करना है क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे वो नए थे उनको तो एक्सकवेशन सीखना था तो इसमें हम जैसे लोगों का हम हमारा जो रोल है वो बहुत क्रूसियल हो जाता है और यही कारण है कि सनौली जैसा साइट ने कई नई चीज़ें दी कई नई दिशा दिया कि एक्सकवेशन टेक्निक क्या होना चाहिए किस तरह से हमको विजुलाइज करना चाहिए कैसे मॉडर्न साइंसेस को इसमें कैसे हम यूज़ कर सकते हैं एक्सकवेशन को कैसे उसका इंटरप्रिटेशन कैसे होना चाहिए और देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए इन सब को एक साथ आप देखें कि सिर्फ एक्सकवेशन नहीं है बल्कि एक आर्टिस्टिक विजुलाइजेशन है एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है और उसके बहुत सारे अलग अलग आयामों को मिला के एक कंप्लीट पिक्चर बनाने की कोशिश की गई जो एक किसी भी एक्सकवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ इम्पोर्टेंट क्या हुआ जो मैंने बताया था कि हमें एक बाउल नीचे मिला हाँ। स्केल्टन ऊपर मिला सिमिलर यहाँ में वही केस है हमें ऑब्जेक्ट नीचे मिल रहे हैं और ऊपर स्केल्टन रिमेन है लेकिन यहाँ हमारे पास उसकी पूरी स्टोरी है हमारे हाँ। पास कंप्लीट पिक्चर है कि ये दो अलग अलग लेवल क्यों है अलग अलग चीजें क्यों है कैसे रखी गई होंगी उनका क्या अरेंजमेंट होगा तो यही यही एक्सकविशन है यही पर्सन टू पर्सन वेरी करता है यहीं पर वो वो च, वो आ जाता है अब सनौली में जैसे सर ऑलरेडी बता रहे हैं कि हमने इसमें वेरियस चीज़ें की हमने दिया कि आप जब एक्सकविशन कर रहे हैं तो आप भूल जाइए कि आपको यही टूल इस्तेमाल करना है आप किस में कम्फर्टेबल हैं वो टूल आपको लेना होगा ये नहीं है कि यही टूल्स थे उन्हीं को यूज़ करना है नहीं फिर दूसरा इसमें हमने जो हमारी आ, हम लोग जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्योंकि एक्सकवेशन इज़ अ साइंटिफिक डिस्ट्रक्शन तो हर चीज़ को ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए शुरू करने से पहले भी ड्यूरिंग भी और आफ्टर भी तो जब हम शुरू करते हैं तो उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम उसे एक सिस्टम में बनाते हैं कि हम उसकी ट्रेंचिंग कैसे करेंगे मतलब उसमें जो डिगिंग करेंगे उसकी हम डिगिंग के लिए एरिया कैसे डिवाइड करेंगे फिर उस एरिया को भी फर्दर कैसे डिवाइड करेंगे ताकि वो हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कर सकें तो हमने पहले टेन बाई टेन का एक ट्रेंच लिया और उसका भी एक स्मॉल पार्ट लिया जब ड्यूरिंग एक्सकवेशन हम लोग कर रहे थे तो देखा कि कुछ पार्ट इसमें और कुछ पार्ट उसमें आ रहा है अब अगर हम ट्रेंड सिस्टम में जाएंगे तो उसमें हम लोग छोड़ते हैं यहाँ भी अगर उस सिस्टम को फॉलो करते तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन तो वहीं रह जाती और एक क्लियर पिक्चर हमारे पास नहीं आ रही थी तो उसमें उस उस स्टेज में ये डिसाइड किया कि नहीं हमको बॉक्स सिस्टम पे नहीं जाना इस साइड पे हम वो ट्रेडिशनल सिस्टम को नहीं कर सकते तो चाहे डॉक्यूमेंटेशन का पर्पस हो चाहे टूल यूज करने का पर्पस हो चाहे साइट को देखने का पर्पस हो हमने इसमें वेरियस न्यू इनोवेश और न्यू थिंग्स करने की कोशिश की इसलिए सनौली इस इस तरह हमारे सामने आ पाया आज से पहले कभी किसी ने एक्सकवेशन में एक्सरे टेक्निक को यूज नहीं किया था ओके okay, एक्सरे टेक्निक आप इसके बारे में डिटेल से आपको एक्सरे हम ह्यूमन बीइंग का करते हैं। आज आज मेडिकल साइंस में हर उसको देखने के लिए एक्सरे किया जाता है एक्सरे आपके अंदर पेनिट्रेट करता है आपके स्ट्रक्चर को दिखाता है आपके हड्डियों को दिखाता है तो सबसे पहले जब आ, हम लोगों को कुछ ऐसे रिमेंस मिले जिसमें कॉपर के शीट दिख रहे थे कुछ टाइनी नेल्स के पार्ट दिख रहे थे तो हमको समझ में नहीं आया कि ये क्यों दिख रहे हैं और इसका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है तो हमने ये डिसाइड किया कि ये जो छोटा सा चंक है इसको हम क्यों ना एक्सरे करें तो सारे मेरे जितने भी कलीग्स थे और वो सब मुझ पर हंसने लगे कि सर आप क्या क्या सोच रहे हो अब ये क्या करने वाले हो आप हमने कहा नहीं चलो जो भी होगा हम देखते हैं हम लोग वहाँ एक पास्ट में बड़ौत के पास में एक लैब में गए हॉस्पिटल के लैब में गए उनको हमने कहा कि इस मिट्टी का हमको एक्सरे कर करना है तो वो नहीं, नहीं नहीं हम तो एक्सरे कर ही नहीं सकते हम तो ह्यूमन पे करते हैं मिट्टी का एक्सरे का कोई मतलब नहीं है आप इसको क्यों लेके आए हो हम बैठे रहे तीन चार घंटे उनको कन्विंस करते रहे कि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे ये हम हिस्ट्री जान सकते हैं शायद नई चीज़ें आ जाए तो बहुत मुश्किल से रात के साढ़े नौ बजे जाके बोले कि ठीक है अब उनका सब लोग चले गए उनका सिर्फ टेक्नीशियंस बच गए थे तो बोले नहीं फिर हम आपका हम बिल भी कैसे बनाएंगे क्योंकि हम इसका बिल डेवलप नहीं कर सकते हमारे पास कोई फॉर्मेट नहीं है इसके लिए तो मैंने कहा ठीक है मुझे आप एक्सरे का वो फिल्म मत देना कुछ भी मत देना मुझे स्क्रीन पे दिखा देना और आप कर दो आप, आप मेरा एक्सरे का बिल बना दो Okay. तो उन्होंने मेरा एक्सरे का बिल बनाया मेरे नाम से पहला बिल बना एक्सरे मिट्टी का करना था लेकिन बिल मेरे नाम से बना और जब हम मिट्टी का एक्सरे कर रहे किया तो हमने स्क्रीन पे जब हमें दिखा कि अरे ये तो कॉपर की एक पूरी लाइन जा रही है पूरा पैटर्न दिख रहा था और उसमें एक पैटर्न एक, विजिबल था okay. एक सिमिलर डिस्टेंस पे नेल्स दिख रहे हैं तो ये बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि मिट्टी में कॉपर लगा के नेल लगाने का तो कोई मतलब ही नहीं है इसका मतलब ये जो मिट्टी है वो डिकम्पोज वुड है okay. तभी तो नेल्स कॉपर जगह है। पे नेगा जहां नेल्स लगती है नेल उसने, उस हो उसने, सकती उसने क्या अब हाँ। देखिए जैसे वो बत्ती जल गई दिमाग की बत्ती जल गई उससे सिर्फ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था लेकिन दिमाग की बत्ती जल गई और उसने पूरा एक्सकवेशन के टेक्निक को दोबारा एसेस करने के लिए मजबूर कर दिया कि जहां भी कॉपर मिले आप कॉपर का इतना पीस भी मिल रहा है तो आप ध्यान रख ध्यान से सोच समझ जाओ कि यहाँ पे लकड़ी होना चाहिए क्योंकि इतना पतला फाइल आपको और किसी काम में आ ही नहीं सकता है तो ये जो चीजें थी नई चीजें आई उसके बाद हमने ये डिसाइड किया बाद में फिर उस हॉस्पिटल वाले को बहुत कन्विंस किया उनका नाम मैंने पेपर में दिया सब कुछ बहुत कन्विंस किया उन्होंने हेल्प भी किया और फिर उसके बाद पहली वो बहुत, बार अगर बहुत हमने, हो हम ये काम कर पाए तो इसलिए कर पाए क्योंकि उन लोगों ने हमें हेल्प किया अब वो वो तैयार हो गए कि ठीक है पोर्टेबल एक्सरे हम वहां लेके चलेंगे साइट पे फिर हमने अरेंज किया पोर्टेबल एक्सरे लेके आए साइट पे और साइट पे जो हमें रिमेंस मिले थे कॉफी उसको एक्सरे करने की कोशिश की अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेस वहाँ पे तो नहीं मिल पाया क्योंकि उसका जो पोर्टेबल एक्सरे था उसके पावर कम थे क्योंकि वो बॉडी पे यूज करते हैं उसकी पावर कम थी तो वहाँ सक्सेस नहीं लेटर ऑन जब एक्सक्रविशन के बाद हमने डिजिटल एक्सरे भी किया और उससे एक्सरे करके फिर हमें ये पता चला कि किस तरह से पाइप में कॉपर लगाए गए हैं उसको किस तरह से नेल से टाई किया गया है वो सारे जो विजिबल नहीं था आई से वो सब एक्सरे में दिखाई देने लगा भी भी। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक चंक था हमारे पास जिसको हम ये सोच रहे थे कि ये शील्ड होगा और लग रहा है शील्ड जैसा तो हमने ये डिसाइड किया कि इस चंक को हम लिफ्ट करते हैं उठा के और फिर उनसे बात किया कि इसका आप सीटी कर दोगे क्या सीटी स्कैन, सीटी स्कैन कर दोगे क्या

और जैसे वो हाँ थ्री हो रहा था हम बैठ के डॉक्टर के साथ उनके स्क्रीन पे वो इमेजेस देख रहे थे कि वो इमेज कैसे रन कर रहा है फिर उन्होंने वो डिजिटल मेजरमेंट और वो सब कुछ उससे मिल जाता है और फिर हमने देखा कि वो शील्ड को बनाने की टेक्निक क्या थी उसके पहले ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शील्ड है भी या नहीं है लेकिन जब वो एक आई ओपनर था ये समझने के लिए कि ये शील्ड है तो फिर क्या था जब शील्ड हमें मिल गया तलवारें मिल रही थी ये टेक्निक समझ में आ गया तो आप देखिए कैसे साइंस ने या मॉडर्न इक्विपमेंट्स ने वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं यूजफुल कैसे हो सकता है बाद में फिर हमने और कई चीज़ें की जैसे रेड फोर्ट में बैगेज स्कैनर होता है तो हमने उस चंक को बैगेज स्कैनर में भी डाला बैगेज स्कैनर में भी जो चीज़ें मिट्टी है लेकिन उसके अंदर अगर कॉपर है या कुछ एलिमेंट है तो वो बीप भी, भी, भी करेगा उसके उसमें दिखाई भी देगा तो उससे भी कई चीज़ें आइडेंटिफाई होने लगी तो ये सारे जो नए टेक्निक्स और न्यू आइडियाज थे जो पहले कभी भी किसी ने ड्यूरिंग एक्सकवेशन और आफ्टर एक्सक्रबिशन यूज नहीं किया था और इसने एक नया आई ओपन किया कि हम Uh, तकनीक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं uh, जो कतई उससे रिलेटेड नहीं है ये ह्यूमन बॉडी पे काम होता है, का मेडिकल साइंसेस का मेडिकल साइंसेस का पार्ट है लेकिन इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला uh, हमें इंटरप्रिटेशन में अंडरस्टैंडिंग में ओके okay. सर uh, so, एक और चीज़ जो मुझे पूछनी है क्योंकि ये बहुत फैसिनेटिंग एक चीज मुझे पता चली थी रिसर्च के वक्त कि वहाँ पे फीमेल वॉरियर्स के बारे में भी पता चला ये क्या चीज़ है Uh, जब हम एक्सकविशन करते हैं जैसे शुरू में ही बताया कि थोड़ा बहुत जानकारी हम लोगों को रहता है कि स्केल्टन uh, रिमेन्स मिल रहा है तो किसका होगा ह्यूमन का है ह्यूमन में भी है तो पेल्विक कैसा है तो प्रॉब्ली फीमेल का होगा कि मेल का होगा ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं तो जब हम लोग एक्सकविशन कर रहे थे उसी समय हमें जो एक्सटेंडेड बरियल मिले उसमें दो एक्सटेंडेड बरियल फीमेल के थे Okay. जो फीमेल के एक्सटेंडेड बरियल थे उसमें बहुत सारी चीजें चेंज थी जो मेल से अलग दिख रही थी मेल का जो कॉफिन था वो कॉपर सीतित था कॉपर डेकोरेटेड था यहाँ जो हमें कॉफिन मिल रहे थे वो स्टेटाइट के कॉफिन्स थे स्टेटाइट के डेकोरेशन वो एक्चुअल कैलकेरियस जैसे चूना होता है हाँ, ना वैसा तो चूना पत्थर हाँ, हाँ व्हाइट कलर, हाँ, कलर का तो उसके इनले मिल रहे थे और और उसमें जो शील्ड भी रखे थे उसका भी डेकोरेशन उसी तो इले हाँ। का था और उसमें जो वेपन्स थे वो लाइट वेट वेपन थे जिसको आप ब्लेड सोर्ड कहते कह, कह सकते हैं तो उस तरह के लाइट वेपन्स आ, उसमें यूज किए गए थे और कोम मिला हमें हाँ कॉम, कॉम कॉम था। हाँ कोम था मिरर तो था तो 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 तो

पाव नहीं मिले जो कि ऐसे था वो एक बिली होगा उसमें तो यहाँ पर जो बरियल में हमें जो छोटा सा एरिया हमने एक्सपोज किया उसमें जो जो इन्फॉर्मेशन मिली कि फीमेल्स के भी बरियल हैं और फीमेल के भी बरियल में उसी ढंग से वेपनरी को रखा गया है यानी फीमेल्स भी वेपन यूज कर रही है अब अगर फीमेल भी वेपन यूज कर रही हैं मतलब कि वो वॉर और उसका एक पार्ट है तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमें इस एक्स का इस एक्स का में पता चली यानी कि सोसाइटी में फीमेल्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है सिर्फ घर तक लिमिटेड नहीं है वो वॉर में भी जा रहे हैं उनके लिए उनके यूजेबल वेपन्स बनाए जा रहे हैं वो जो शील्ड है वो प्रॉब्लली चेस्ट शील्ड है यानी कि वो हाथ में लेने के लिए नहीं वो आप okay. चेस्ट में टाई कर सकते हैं तो उनके अपने जैसे कॉम और मिरर है उनके उन बिलोंगिंग्स के साथ साथ वेपन्स को रखने का ये क्लियर इंडिकेशन है कि फीमेल्स भी वॉरियर हां और ये फर्स्ट साइट था जहाँ पे फीमेल वॉरियर्स मिली थी इस तरह से बरी अभी तक तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कि जो हमें मिला है इस ढंग के बरीअल से पह, हमें पहली बार मिल रहे हैं और उसको इस ढंग से आइडेंटिफाई किया गया है तो ये फर्स्ट एविडेंसेस हमारे पास हैं ओके okay, क्योंकि इफ आई एम नॉट रॉंग ऋग्वेद में भी एक क्वीन है जिनका विशपला का एक स्टोरी आती है तो वो एक फीमेल वॉरियर की बात करता है आप, आप रामायण की बात हाँ, के कई राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाती हैं और उन्हें जो वो वरदान मिला था वो वरदान इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने चैरियट के व्हील को निकलते हुए देखा और उसे रोक उसमें अपनी उस फिंगर को का किया कि वो ना निकल जाए अदरवाइज हाँ, वो गिर जाएंगे तो ये क्लियरली दिखाता है कि वॉर में फीमेल्स जा रही थी राइट राइट ओके चैरियट्स की बात करते हैं क्योंकि बहुत एक इम्पॉर्टेंट ये डिस्कवरी थी प्रॉबली सेंचुरी की एक uh, सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी ये इंपॉर्टेंट क्यों है किस तरह से एक्सकवेट हुआ किस तरह से इसके बारे में आपको पता चला फर्स्ट uh, रिएक्शंस क्या थे ये सब जानना है मुझे ये <laughs> एक रियली really, किसी के लिए भी और हम हमारे लिए भी एज एन आर्कियोलॉजिस्ट हमारे लिए भी एक बड़ी ही फैसिनेटिंग मोमेंट था फैसिनेटिंग टाइम uh, था और काफ़ी लंबे समय तक uh, एक आप कहते हो ना कि आप किसी चीज़ से कई बार आप उबर नहीं पाते उसके उसमें आप, आपके दिमाग में घूमता रहता है वो तो लंबे समय तक और आज भी उस पर लगातार हमारी सोच बनी रहती है और लगातार हम उसमें नए नए रिसर्चेज कर रहे हैं जब एक्सकवेशन कर रहे थे तो सबसे पहले एक बरियल नंबर सिक्स हम नंबर देते हैं बरियल हाँ। का कि आप आसानी से हम समझ डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन पर्पज के कारण तो बरियल नंबर में जैसा बताया कि चार पोल ऊपर सबसे सरफेस पे दिखाई दे रहे थे और उसका कुछ पार्ट नीचे गिरा हुआ था टूटा हुआ तो हम हमें वो सबसे पहले मिला उसके बाद आ, धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो आ, कुछ कॉपर के आ, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जैसे ट्रैंगल का ऊपर का कोना और वो दिखा फिर दूसरी तरफ भी दिखा तो जब हमने उसके मेजरमेंट किए स्टैटिस्टिक निकाले तो वो एक एंगल बना रहा था और जो बीच का जो पोल मिले थे वो सेंटर में आ रहे थे तो इससे ये एक आइडिया ये लगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसका इतना बड़ा शेप तो कम से कम है और उसमें कॉपर लगे हुए हैं और कॉपर लगा है तो लकड़ी होगा ये पहले ही हम कंफर्म कर चुके थे इस, इस, इस के, के साथ इस में पहले हमें व्हील मिल गया था अच्छा, उसका कारण बताती हूँ ऊपर सरफेस पे हमें चार राउंड कॉपर राउंड दिख रहे थे टॉप से ओके कॉपर राउंड चार एकदम ज्वाइंटेड चार कॉपर राउंड दिखना बड़ा अन था ये क्या है जब वर्टिक जैसा पहले भी बताया वर्टिकली जब उसको एक्सपोज किया तो वो चार पाइप एक दूसरे के साथ टाई होकर हमें मिले जब उसको हम आगे तक लेकर गए तो एक लेवल पे देखा कि यहाँ पर उस पाइप के साथ साथ थोड़ी डिस्टेंस पे एक एंगल पे कुछ कॉपर डॉट्स विजिबल हैं mm. कॉपर डॉट्स अचानक सरफेस पे विजिबल हुआ तो फिर उसको वहीं स्टॉप करके उसको स्लाइटली वर्टिकल लेकर गए जब वर्टिकल लेकर गए तो दिखा कि ऐसे हैं ओके लेकिन ये सिर्फ अब ये ट्रायंगल स्ट्रेट नहीं है ये hmm. कर्व फॉर्म में ट्राइंगल जा रहा है hmm. तो फिर उसको स्लाइटली और एक्सपोज किया जैसे जैसे एक्सपोज करते गए तो एक ऐसे कर्व बनता गया जब फुली एक्सपोज किया तो एक पूरा राउंड हमारे पास आ गया जिसमें सेंट्रल पार्ट में एक नेल लगा हुआ था okay. तो समझ आया कि ये ये शायद कोई राउंड वो है सिमिलरली okay. क्योंकि वो सरफेस हम एक साथ एक्सपोज करते हैं दूसरी तरफ भी हमें ऐसे ही विजिबल हुआ okay. एक तरफ सेंट्रल में पोल आ गया और दोनों तरफ वर्टिकली हमें दो राउंड मिल गए राउंड शेप का ऑब्जेक्ट अब बीच में फ्लैट है वहाँ हमें कोई कॉपर नहीं दिख रहा एकदम स्ट्रेट फ्लैट दो तरफ दो राउंड एक तरफ एक पोल अब इस स्थिति में आप क्या इमेजिन करेंगे बरियल है कॉफिन बरियल है आई <coughs> सॉरी ये कॉफिन बरियल रॉयल कॉफिन बरियल हम लोग समझ रहे थे क्योंकि कॉफिन के ऊपर बहुत सुंदर डेकोरेशन थी एट एंथ्रोपोमाफिक फिगर का डेकोरेशन था और ये और औ, और कॉफिन से थोड़ा बड़ा भी था एक तरफ हमें एक बड़ा साइज़ का दिख रहा था एक तरफ ये एक स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा था तो फर्स्ट टाइम तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या होगा तो सर और हम दोनों बहुत एक दो दिन तक डिस्कस करते रहे क्या हो सकता है क्या हो सकता है कॉफिन है ये है कहीं ऐसा तो नहीं है कि थ्रोन है हाँ। क्योंकि यहाँ पे कॉफिन ये इंडिकेट कर रहा है कि कोई एलिट या रॉयल पर्सन का कॉफिन है तो हो सकता है उसका थ्रोन उसको यहाँ रखा गया है ये ये हमको बड़ा अलग लग रहा था यहाँ लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ हम लोग अपने एंगल से सोच रहे थे कि थ्रोन हो सकता है थ्रोन उससे रिलेट करता है लेकिन चारियट एक बार भी हम लोगों के दिमाग में नहीं आया क्योंकि चारियट इसके पहले कभी मिला भी नहीं, मिला नहीं। और उस समय मेरा बड़ा बेटा स्कंद वो भी मेरे साथ एक्सकवेशन में मतलब वो जब बहुत छोटा था छः मही सात महीने का तब से मेरे साथ एक्सकवेशन में क्योंकि हम दोनों ही साइट पर रहते थे, थे तो वो हमारे साथ साइट पर जाता था यहाँ भी वो सनौली एक्सकवेशन में मेरे साथ था उसने जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे डिस्कशन के बीच में उसने अपना वो रखा कि आ,

एलिमेंट में रहा होगा तो वो वो उसका पहली बार तो आ, मैंने उसे एकदम रिफ्यूज कर दिया कि नहीं तुम्हें समझ नहीं है नहीं। तुम अभी नहीं समझ पाओगे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स को उसके बाद उसको हमने माना कि थ्रोन है और थ्रोन के पीछे छत्र का कोई प्रोविजन है इसलिए ये पोल है फिर जब हम फर्दर उसमें एक्सकवेशन किया तो आगे एक उसका पाइप जैसा अगेन एक ऑब्जेक्ट okay. मिला जो कि उस पोल से नीचे जा रहा था और वो पोल उसमें अटैच हो रहे थे देन okay. वो एक डी शेप लेता है okay. जब वो डी शेप आया वो मूवमेंट okay. था जब ये कंफर्म हुआ कि नहीं ये थ्रोन नहीं है ये चैरियट है बर okay. उस वक्त भी चैरियट नहीं तब समझ आया कि ये ये कोई आ, ये, ये कोई व्हीकल वी, है okay. जिस भी हो सकता है कार्ट बुल्ड जो होता है उस तरह का कुछ बुलक कार्ड तो नहीं आया क्योंकि कार्ट एक बहुत कार्ट का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे बताते हैं कार्ट एक अलग उसमें तो आप समझ आया कि अच्छा ये ये कोई व्हीकल है तो यानी चैरियट है ही क्योंकि उसमें आगे हमें वो सारे कंपोनेंट दिख रहे हैं और उसके जो व्हील है वो दोनों तरफ दो व्हील है तब तक उसके साथ एक और एडजॉइनिंग चैरियट भी हम लोगों ने एक्सपोज किया mm. वो भी सिमिलर यानी आपको एक साथ दो चैरियट mm. उस ट्रेंच में मिल गए mm. और फिर जब हम तीसरा बरियल कर रहे थे तो उसमें भी चैरियट था और उस चैरियट के साथ हमें पोल और योग भी मिल गया ओके okay. यानी आपको चैरियट मिल रहा है आपको पोल भी मिल गया आपको योग भी मिल गया तब वो वो टाइम था जब हम कंफर्म हुए कि नहीं ये हमारा एक पूरा कंप्लीट चैरियट है ओके okay. और फिर फर्दर जैसा बताए कि एक्सरे की भी हम हेल्प लेते रहे तो एक चंक था जो उसके पास था उसको जब हमने सिटी स्कैन करवाया तो उसमें जो डैशबोर्ड पे डिजाइनिंग होती है वो कंप्लीट डिजाइनिंग थी हालांकि वो मड अब यहाँ क्या है कि जितना भी वुड है चैरियट बना है लकड़ी में लकड़ी क्या है डीकम्पोज है तो जो हम एक्सपोज कर रहे हैं वो एक्चुअल में डिकम्पोज वुड एक्सपोज कर रहे हैं उसकी डायमेंशन तो हमको वो कॉपर डेकोरेशन के कारण दिख रही है।, तो है जो कि डीकम्पोज होके ऑलरेडी मड में कन्वर्ट हो चुकी है आप उसको चाह कर भी एक्सपोज नहीं कर सकते ओके। आ, बट सर जब आ, और व्हील वे, हमें पहले मिल चुके हैं साइड्स पे व्हील भी हमें फर्स्ट टाइम ही मिला था इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हरप्पन में हमको टॉय कार्ट टेराकोटा के टॉय टॉय कार्ट व्हील मिलते हैं और वो छोटे होंगे कार्ट कह रही हूँ हाँ, हाँ छोटे, नहीं नहीं नहीं, नहीं लाइफ साइज में नहीं है वो okay. छोटे टॉय कार्ट व्हील हमको मिलते हैं अलग अलग हब विदाउट हब प्लेन वो हमें मिलते हैं पर वो okay. व्हील है okay. ये फर्स्ट टाइम है कि हमें कंप्लीट फुल कितना डिफरेंस है हमें इसके बारे में मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है मिली है हमें बिल्कुल आ, जब हम चैरियट की बात करते हैं तो अगर वर्ल्ड कॉन्टेक्स में हमको चैरियट देखना पड़ेगा मोसोपोटामिया के उर् एक्सकिशन में आ, एक स्लैब पे आ, कुछ इसी तरह के वैकिल आ, का डिपिक्शन है उसमें चित्रित किया गया है और वो चार व्हील पे है और उसके साथ साथ डोंकी उसमें लगा है और वो कुछ लोग उसके नीचे दबे हुए हैं और कुचलते हुए चल रहा है तो उसको कहा गया कि ये फर्स्ट वॉर वेपन है आ, ये जो चैरियट के फॉर्म में है लेकिन वो फोर व्हील पे है और सॉलिड व्हील है दो सबसे पहले उसके बाद सिंथास्ता में या इजिप्ट में या चाइना में हर जगह चैरिएट्स और उसके रिमेंस मिले हैं कुछ जगह पॉटरी पे डि पेंटेड पेंटिंग में मिला है कुछ जगह चाइना में जैसे फिजिकल चैरिएट मिले हैं लेकिन वो काफ़ी लेट है थर्टीन सेंचुरी बी के आसपास uh, के हैं और उसके बाद तो और कई जगह चैरिएट के रिमेंस मिले हैं हिस्टोरिकल पीरियड में लेकिन इस पीरियड में uh, फिजिकली uh, जो है वो uh, और कहीं भी चैरियट नहीं मिले हैं इसके uh, 200 सौ uh, 200 साल बाद इजिप्ट के पिरामिड के अंदर uh, uh, चैरियट्स और बिलोंगिंग के साथ चैरियट और फर्नीचर्स रखे हुए मिले हैं लेकिन वो फिज़िकली अगर हम इसको डेटिंग के हिसाब से देखें तो इससे काफ़ी बाद का वो है काफ़ी लेट है तो इस तरह से और किसी ऐसे एक्सकविशन में जैसे सनोली का एक्सकविशन हुआ या ऐसे एक्सकविशन में फिजिकल चैरियट अभी तक कहीं भी नहीं मिले थे चैरियट के मॉडल्स जैसे दायमाबाद में कॉपर के चैरियट के मॉडल हैं और हरपन बहुत सारे हर, हरपन साइट में टॉय कार्ट के छोटे छोटे व्हील और वो कार्ट के फ्रेम वो मिलते हैं लेकिन वो सब टॉयज़ और उसके लिए हैं छोटे मॉडल्स हैं लेकिन फिजिकली इसके पहले कहीं भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं मिला था पूरी तरह से ओके okay. और आ, हमें मतलब पता कैसे चलता है कि ये चैरियट्स एज एन मेरा कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछने के पीछे कि हर आ, कार्ट को कोई एक चीज चलाती है तो मतलब चैरियट्स को जैसे हॉर्सेस चलाते हैं एमगेसिंग बुलक कार्ट्स में बुलक्स होते हैं तो आ, बैल होते हैं वो तो इसमें हमें कैसे पता कि ये हॉर्सेस थे यहाँ पे क्या हमें हॉर्सेस के बोन्स मिले या कुछ मिला है उस तरह से देखिए दो, दो, दो मैंने कहा कि आर्कियोलॉजी में दो तरीक, तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं पहला कि अगर आ, हमें एक्सरे में कॉपर मिला और नेल्स मिले इसका मतलब वो लकड़ी में लगाए नेल्स है। इतने टाइनी लेंस ने, दूसरे जगह नहीं लग सकते ठीक उसी तरह कि जो चैरिएट मिला उसका शेप क्या है उसका साइज क्या है उसके पोल कैसे हैं उसके योग कैसे हैं उसका व्हील कैसा है उसमें कितने लोग चढ़ पाएंगे उसके हाइट क्या है ये सारे स्टैटिस्टिक को जब हम आ, निकालते हैं तब ये पता चलता है कि इसमें बुल नहीं लग सकता है क्योंकि जो पोल है वो पतला है लंबा है योग छोटे हैं तो दो बुल के कंधे पे नहीं आ सकते और बुल के जो होते हैं वो मोटे होते हैं उस पर रखने के लिए और उतना पतला दो बुल नहीं चला सकता वो टूट जाएंगे दूसरा चैरियट की हाइट उस हिसाब से बनाई गई है और उसका जो ब्रथ है वो लगभग एक मीटर से भी कम है तो उसमें एक वॉरियर या एक आदमी चलाने वाला खड़ा हो सकता है मैक्सिमम कभी दो भी खड़े हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है तीसरा कि उसकी जो चेसी तो जो कार्ट होता है उस उसमें कार्ट का फ्रेम होता है हाँ और उसके आगे और पीछे की बैलेंसिंग होती है क्योंकि उसमें आप सामान रखते हो लेकिन जो चैरियट होता है चैरियट में डी शेप इसलिए बनाया जाता है कि वॉरियर उस पर खड़ा हो सके और जब चाहे वो नीचे उतर सके और खड़ा हो सके दूसरा चैरियट में ही सिर्फ ऊपर पोल होता है उसके उसको कवर करने के लिए जो कार्ट में नहीं होता है कार्ट में वैसे कोई प्रोविजन नहीं होते हैं और अगर कभी वो शेड के लिए यूज भी करते हैं तो वो चार साइड पर ऊपर हाँ, लगाएंगे हाँ, एक सिंगल पोल बीच में से देने का तो कहीं भी आप नहीं देखेंगे किसी कार्ट हाँ, में तो ये सारे स्टैटिस्टिक निकालने के बाद ये बहुत स्पष्ट होता है कि इसमें हॉर्स को ही माउंट किया गया होगा उसके अलावा और कोई दूसरा जो पशु है वो इसके साथ मैच नहीं करता और हाँ, एक भी और, भी और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके एसोसिएटेड है विप है विप भी ये इंडिकेट करता है कि ये सिर्फ हॉर्स चैरियट में यूज़ होता है जबकि बुल और आ, एनिमल के लिए हम स्टिक और बो यूज़ करते हैं तीसरा इसके साथ जो एसोसिएटेड चीज़ें हैं क्योंकि आप नॉर्मली कार्ट को किसी बरियल में नहीं, नहीं रखेंगे है ना क्योंकि वो कॉमन यूज का है वो पर्सनलाइज नहीं है वो कॉमन यूज का है तो कार्ड को क्यों बरियल में रखेंगे राइट right. बरियल में तो उन्हीं चीजों को रखी जाती है जो बिलोंगिंग है।, है ना तो आप ये बरियल में रखा गया है तो कार्ड का तो कोई सवाल ही नहीं है तो एक बाकी स्टैटिस्टिक अलग चीज़ है और लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि आप कार्ड को बरियल में में तो कोई नहीं रखेगा बोला कार्ड को बरी बरियल में <laughs> तो जो लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये कार्ड है ये वो नहीं हो सकता उनको ना तो कॉन्टेक्स्ट पता है ना उसके साइज शेप पता है न उन्होंने फिजिकली देखा कभी कि ये क्या है थ्योरेटिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक जो थ्योरी बिल्ट हुई कि दो हज़ार में हमारे पास चैरियट जैसी चीज़ हो ही नहीं, नहीं, नहीं सकती नहीं। तो इसलिए उसको कंटिन्यू कर, करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं अगर ये प्रूफ हो गया या ये ये पक्का है कि ये चैरियट ही है तो बहुत सारे थ्योरीज डिबंक होंगे बहुत सारे थ्योरी पे Including आर्यन इन्वेजन क्योंकि आर्यन इन्वेजन तो सिंपली हॉर्स है उस चैरिट है वेपन्स है उस उसपे बेस की गई थी तो उसका अब कोई रिलेवेंट क्वेश्चन बचता ही नहीं है कि कोई इन्वेजन जैसी बात है या कोई आ, जो नॉर्मली सोचा गया था कि तेरा चौदह सौ बीसी में इंडिया में ये सारी चीजें आई उसके वो तो उससे वेल well बिफोर 600 साल पहले हमारे यहाँ वो तकनीक थी और एक बहुत सिंपल सी बात है कि तकनीकी तौर पे हमारे यहाँ फोर व्हील टेक्निक जो है वो कार्ट में दो व्हील वाली टेक्निक चल रही थी फोर व्हील टेक्निक नहीं थी दो व्हील पे बैलेंस कर रहे थे तो बैलेंसिंग सिस्टम आपके पास तो ऑलरेडी अवेलेबल था वो 3000 बीसी से पहले में तो उसमें सिर्फ आपको चेसी का इनोवेशन चेंज करना था कि आपको एक लाइट वेट व्हीकल बनानी थी वॉरियर के लिए और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉर करना आ, कर, की ज़रूरत पड़ेगी तब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो इनोवे एक इनोवेशन का एक आ, स्टेज है जब आ, आपको कार्ट से फिर आ, से चैरियट की तरफ आ, आप मूव कर रहे हो कि कार्ड तो चल ही रहा है कार्ड तो चलेगा ऐसा तो है नहीं कि वो बंद हो जाएगा आज भी कार्ट चलता है जब मोटर गाड़ी आ गया तब भी कार्ड चल रहा है तो कार्ड भी चल रहा था चैरियट के इनोवेशंस भी आ गए चैरिएट भी ऐड हो गया शायद पहले चैरियट में और कोई प्रोविजंस रहा होगा बाद में वो हॉर्स के जब आपने डोमेस्टिकेट कर लिया या आपके पास हॉर्स अवेलेबल है तो आप नॉर्मली हॉर्स रखेंगे कंटेम्प्रेरी उसमें चाहे हरप्पन के एक्सकविश सुरकोटा के एक्सकवेशन में हॉर्स के एविडेंसेस हैं और कई मल्टीपल साइज पे हमें हॉर्स के एविडेंसेज हैं ऐसा नहीं कि हॉर्स के एविडेंसेस नहीं हैं जो ये पहले उस समय कहा गया उस समय ये थ्योरी प्रपोज की गई जिस समय हमारे पास एक कंक्रीट एविडेंस नहीं था चैरियट का कंक्रीट एविडेंस हमारे पास हॉर्स के नहीं थे कंक्रीट एविडेंस हमारे पास वेप, वेपन्स के नहीं थे अब जब हम रिसर्च के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां नई चीज़ें आ रही हैं नई चीज़ें हमारे पास आ, सामने आ रही हैं पूरे वर्ल्ड में नई चीज़ें आ रही है ऐसा नहीं है कि आ, सिर्फ यहां आ रही है आप हर रोज़ न्यूज़ में देखेंगे तो नई नई चीज़ें नए डेट्स आ रहे हैं नए तरह के एविडेंसेज आ रहे हैं तो एक ये प्रोसेस है कि आपको रिसर्च, रिसर्च 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 ये कभी भी हिस्ट्री स्टैटिक नहीं है ये डायनेमिक है और जब नई चीज़ें आएंगी आपके इतिहास को फिर से रीथिंग uh, करना होगा और फिर से आपको समझना होगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस uh, है और ये क्यों है रिजिडिटी जो है बहुत सारे स्कॉलर्स uh, हमको ओपन नहीं होने देती एकदम आपको जो दिख रहा है आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं बल्कि आप, आप किन कुछ चीजों को प्रूव करने के लिए किसी भी इसीलिए इसीलिए सनॉली को जैसे लेट हरप्पन कहने की जो बात हमने कह दी कहाँ है लेट हरप्पन क्या है तो इतना बढ़िया यहाँ कल्चर एविडेंसेस मिल रहे हैं सब कुछ पहली बार हमें चैरियट मिल रहा है हमें कॉफिन्स मिल रहे हैं वेपन्स मिल रहे हैं वैरायटी के वेपन्स मिल रहे हैं और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ हमें एक, एक, एक सेप्टर उसे कह सकते हैं हालांकि स्टिक टॉप हमने उसे नाम दिया दंड है, है एक्चुअल एक जो हाथ में आप इस, स्टिक उसके ऊपर इलेक्ट्रम है आ, कैप लगा है आ, वो इलेक्ट्रम का बना है इलेक्ट्रम है जिस जो एक्चुअल दो मेटल मिलके बनता है उसमें गोल्ड और सिल्वर वो दोनों मिक्स करके उसको इलेक्ट्रम है। कहते हैं अब इलेक्ट्रम दो तरीके से होता है एक हम दोनों मेटल का अलॉय बनाए और दूसरा ये आ, नेचुरल में फॉर्म में भी हमें मिलता है लेकिन वो इंडिया में कहीं नहीं मिलता है ओके okay. तो क्या इलेक्ट्रॉन को बाहर से ट्रेड करके ये लोग लाए hmm. कैसे आया वो जो उन्होंने अपने राजदंड में लगाया hmm. तो बहुत सारी चीजें हैं तो हमको ये ये ओपन माइंड से सोचना पड़ेगा कि एक बार हमने जो कहा वही सही है ऐसा नहीं है नहीं। जैसे हाँ जैसे जैसे नए एविडेंसेस आते हैं हमको अपने आप को ओपन करना पड़ेगा उन एविडेंसेस को समझना पड़ेगा और देखना होगा कि हाँ ये क्या दिखा रहा है हो सकता है जिस एंगल से हम हमने पहले देखा वो अब अब वो जब नए एविडेंस आ गए तो उसमें एंटायरली चेंज हो गया जैसे हम लोगों ने भी हम लोगों ने पहले उसे थ्रोन कहा लेकिन जब उसके कंप्लीट एविडेंस मिल गए तो आज हम उसे चैरियट कहेंगे right. तो आप कैसे किस ऑब्जेक्ट को किस स्टेज पे देख रहे हैं हो सकता है आप आपने जिस समय देखा आपके पास एक हाफ पिक्चर थी right. थोड़े एविडेंसेस थे आपने उसके बेस पे जो दिया वही हमेशा सही होगा ऐसा नहीं राइट right. तो और आर्कियोलॉजी में तो बहुत जरूरी है कि हमको अपने आप को ओपनली सोचना पड़ेगा और रेगुलरली नए एविडेंसेस उसमें नई नई चीज़ें ऐड करते हैं उनके साथ जब आप देखेंगे तो आपको और कुछ समझ आएगा okay. ओके okay. uh, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस uh, सनौली वाले साइट से लेकर ये हम जब बात कर रहे थे तो आपने मुझसे कहा था कि यहाँ पे बरियल साइट्स मिल रहे थे बट uh, कोई ऐसी चीज़ें नहीं मिल रही थी जिससे पता चले यहाँ पे लोग रह रहे हैं एंड एक और जो थियोरी आती है वो ये है कि जब इंडस वाली में तो गंगा यमुना लोग शिफ्ट हो गए बट यहाँ पे जो ये फाइंडिंग्स मिली है, इससे पता चलता है फाइंडिंग को कर रहे थे तो ये फिर रहे कहाँ रहे थे वो क्या थियोरी है पूरी एग्जैक्टली यहाँ साइट हमें मिले हैं और ठीक बरियल के ईस्टर्न साइड में आ, है, है, जिसको हमने एक्सकवेट भी किया है और उस हैबिटेशन साइट में तीन स्टेजेस क्लियर विजिबल हैं और कॉपर स्मेल्टिंग के लिए कॉपर बनाने के लिए फर्निसज हैं वहाँ पे वहाँ पे और स्ट्रक्चरल एविडेंस हैं वहाँ पे तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हैबिटेशन साइट नहीं था उसका बहुत एक्सटेंसिव एक्सकविशन नहीं हुआ है या जो अभी खेती हो रही है उसमें ज़्यादातर पोर्शन ऑलरेडी कट चुका है क्योंकि हैबिटेशन साइट का ये बीनीथ द ग्राउंड है बरियल और वो एब है तो जो नॉर्मली एबव द ग्राउंड होता है वो खेती में उसमें जल्दी कट जाते हैं क्योंकि वो उसका कंटूर अप है तो वो पूरी तरह से लगभग खत्म हो चुका है और कुछ एविडेंसेस बचे हुए हैं जिसको हमने एक्सकवेट उस रीजन का एक जो वहां पर है प्रैक्टिस है कि वो लोग अपने खेत की मिट्टी के आधा मीटर वो बेच देते हैं ईद भट्टा वालों को तो ऊपर का आधा मीटर चला गया तो वो वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चला गया सनौली साइट का जो फर्स्ट Uh, हम लोगों के सामने आया था वो भी इसीलिए आया था क्योंकि उस खेत वाले ने अपनी मिट्टी को ईट भट्टे वाले को दे दिया था और जब वो हटा रहा था तो उसमें बहुत सारी ये चीज़ें दिखी वो पेपर में पब्लिश हुई फिर आर्क्योलॉजिस्ट ने रिपोर्ट किया तब वो सारी चीज़ें सामने आई तो अभी वहाँ ये ये कॉमन प्रैक्टिस है आज भी वो लोग लो यही करते हैं कि ऊपर की मिट्टी को हटा कर ईट भट्टे वाले को बेच देते हैं तो जो हैबिटेशन साइड का मैक्सिमम पार्ट है वो तो लेवल हो चुका है हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो बहुत बहुत जो नीचे जो थोड़ा बहुत बच गया वही मिल पाया ओके ओके सो एक और जो चीज यहाँ पे आती है अब फर्स्टली मुझे uh, ये जानना क्योंकि बहुत सारे लोगों को भी ये डाउट होगा पे आपने नहीं। हाँ को एग्जिस्टेंस का तो ऑफकोर्स मतलब वो एक चीज मुझे जाननी है देन आई आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग रीजन में hmm. अलग अलग कल्चर को एग्जिस्ट कर रहा था और उनके बीच में आपस में एक्सचेंज भी होगा रिलेशंस भी होंगे जब हरप्पन कल्चर जब आ, का जो जोन है अगर वो आप सरस्वती और इंडस के बीच का की जो स्थिति थी सरस्वती रिवर ड्राई हो रही हैं और आ, सूख रही हैं तो और एरिडिटी है तो एक कंपलसन है माइग्रेशन कि आपको नए एरिया को तलाश करना होगा नए नए एरिया में जाना होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक एरिया में गए कि उन्होंने गंगा यमुना दुआब चुन लिया और वहाँ सारे लोग वहाँ शिफ्ट हो गए ऐसा नहीं ये एक लॉन्ग ट्रेड आ... ड्यूरेशन में धीरे धीरे माइग्रेशंस होता है और अलग अलग जगह के लोग अलग अलग जगह पे भी जाते हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपके रिलेशन कहाँ कहाँ हैं आप जैसे कॉपर जहाँ से ला रहे हैं वहाँ आपका नोन है जहाँ से आप बीड्स और उसके लिए रॉ मटेरियल ला रहे हैं वो जगह आपके लिए नोन है वहाँ जो लोग रह रहे हैं कंटेम्प्रेरी वो नोन है तो आप, आपका माइग्रेशन धीरे धीरे ऐसे होता है आज भी आप पंजाब और उसमें भी देखें ज़्यादातर उसमें तो बुज़ुर्ग लोग वहीं हैं और नए लोग जाके विदेशों में बस गए फिर कुछ लोगों को लेके चले गए फिर धीरे धीरे गांव में कुछ चंद लोग ही बच गए बुजुर्ग लोग और बाकी लोग नहीं हैं वो कभी आए कभी नहीं आए एवेंडेंट हो जाता है तो एक माइग्रेशन का एक प्रोसेस है तो जब एरिडिटी आई तब माइग्रेशन भी हुआ तो उन्होंने भी रिवर रूट पकड़ा नए फर्टाइल लैंड को पे आएंगे तो इमलगमेशन भी होगा दो कल्चर का आपस में मिलना भी होगा हो सकता है कंट्राडिक्शन भी क्रिएट हो तो आप गंगा यमुना द्वाब में दोनों तरह के कल्चर को एग्जिस्ट करते हैं यहाँ कई ऐसे साइट हैं जिसमें हरपन एलिमेंट्स भी हैं और कई ऐसे साइट हैं जो लोकल चालकोलेथिक एलिमेंट भी हैं और दोनों के उसको उसका मिक्सचर है भी है तो हमें दो चीज़ देखने की ज़रूरत है पहला ये समझने की ज़रूरत है कि जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं कितने परसेंट एलिमेंट किस कल्चर से बोरो किया गया है सपोज आज हम इंडिया में हैं हम वेस्टर्न आउटफिट में भी हैं तो वेस्टर्न आउटफिट आप वैसे आपने बोरो किया है ना इट डजेंट मीन कि आप आप चेंज हो गए तो कल्चर का कुछ पार्ट कई जगह से इन्फ्लुएंस होता है तो इस तरह से कल्चर एक दूसरे के साथ मिलता है एक दूसरे के साथ डेवलप होता है ओके ओके सर आई थिंक सो मतलब ये क्वेश्चन मुझे शायद पहले पूछ लेना चाहिए था बट uh, हमारी ऑडियंस होगी जो शायद फर्स्ट टाइम आर्क्योलॉजी के बारे में कुछ भी सुन रही है तो उन्हें uh, मुझे ये समझाना है कि हम तो हिंदूज हैं हम दफनाते तो है ही नहीं हम तो वो क्रेमिशन होता है मतलब जलाते हैं बॉडीज को तो उस टाइम पे बरियल्स क्यों हो रहे थे एंड क्या उस टाइम पे कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं जहाँ पे बॉडीज को जलाया भी जाता था तो ये भी क्या को एग्जिस्टिंग मतलब पैटर्न थे देखिए आर्क्योल इसमें दो चीज़ों को समझना होगा एक लिटरेरी रेफरेंसेज दूसरा आर्क्योलॉजिकल रेफरेंसेस लिटरेरी रेफरेंसेस देखें तो ऋग्वेद में आ, ये बहुत क्लियर मेंशन है जिसमें बरीड करने के रेफरेंसेस हैं ओपन में छोड़ने के भी एविडेंसेस हैं और जलाने के भी एविडेंसेस हैं तो ये को एग्जिस्ट कर रहा था और आर्कियोलॉजिकल एक्सकिशन में भी हमको दिखाई देता है कि फुल एक्सटेंडेड बरियल भी है पार्शियल बरियल भी है सिम्बॉलिक बरियल भी है साथ साथ जो जलाने की पद्धति है वो कैसे समझेंगे कि क्या जलाने क्योंकि उसके रिमेंस तो हमको मिलेंगे नहीं वो तो वाश आउट हो जाते हैं आप नदी के किनारे तालाब के किनारे आप आप परफॉर्म करते हो तो तो कैसे करते हैं हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं अगर कोई सेटलमेंट 600 साल 800 साल से एक सेटलमेंट है उसमें आप हाउस प्लान्स हैं उससे आप आप डेमोग्राफी को समझ सकते हैं कि यहाँ इतने पीढ़ी के लोग इतने समय तक रह रहे होंगे और उसके हिसाब से जो बरियल साइट है बरियल साइट में आपका बरियल बहुत कम है सौ है पचास है साठ है तो इतने 600 सौ साल में इतने ही लोग तो ड, ड, डेथ नहीं होगा तो इसका मतलब समल्टेनियस जलाने की भी पद्धति हो होगी और ये धीरे धीरे ये पद्धति कैसे प्रोमिनेंट होता है इस बात को समझना होगा कि जब आप जैसे हिंदू और उसकी बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत लेट शुरू हुआ ना कि हिंदू मुस्लिम या टैक्स, हाँ टैक्स वो लेकिन आप एक चीज़ समझिए कि वो कैसे डेवलप हुआ कि जलाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब लॉन्ग डिस्टेंस वॉर शुरू होता है कि आप जाके आ, पचास किलोमीटर की दूरी पे जाके आप आप अपने लोगों को जाके ला के लड़ रहे हैं और दस दिन आपकी लड़ाई चल रही है तो पहला दिन दस लोग मर गए आप क्या करोगे उसको लेके तो नहीं आएंगे आप, आप वहाँ लैंड भी नहीं है आपका नहीं। तो वहाँ आप आप या तो वहाँ दफनाओगे और अगर नहीं दफ आप उसके आपके पास उतना समय भी नहीं है अगर आप नहीं दफनाते महामारी फैल जाएगी जानवर भी मर रहे हैं वो भी मर रहे हैं तो आपके पास जलाना सबसे आसान तरीका था और हाइजीनिक भी था तो धीरे धीरे जब आपका कल्चर स्प्रेड करता है लॉन्ग डिस्टेंस वॉर शुरू होता है और एक पद्धति आप जैसे जनपद से महाजनपद महाजनपद से साम्राज्य और ये बनने लगता है तो आप कि जो प्रैक्टिस है वो प्रोमिनेंट होती है होने लगती है जलाने की आज भी देखिए कैसे चेंज होता है आप पहले तेरह दिन का प्रोसेस करते थे आज तीन दिन में भी निपटा देते हैं आज इलेक्ट्रिक में भी जला देते हैं तो इलेक्ट्रिक तो भी नहीं था आज हम कर रहे हैं उसे? लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि उसमें जो रिचुअल्स है वो लगभग वही कंप्लीट होते हैं वही रिचुअल चलता है है ना जो ऑफरिंग है वो है वो सब तो वही सिंबोलिज्म वही, वही चल रहा है आज भी अब मरने के बाद आप क्या करते हैं खाट दान में देते हैं कपड़े दान में देते हैं सारी वो सारी चीजें करते देते हैं है ना पिंड करते हैं वो क्या है दैट इज ऑफरिंग टू द डेड वो बलिया में नहीं हो रहा है आफ्टर लाइफ का आपका अभी भी है राइट राइट सर मैम ऑफ कोर्स मतलब आज जो आपने नॉलेज दिया है दिस इज मोर देन एनीवन कैन कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोबली मेरे पास में शायद पूरा एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और है uh, मैंने आपके कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़े थे जिसमें से मुझे और चीजें पूछनी थी पार्ट टू हम डेफिनेटली करेंगे पॉडकास्ट का बिकॉज uh, आज थोड़ा टाइम क्रंच है आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन है शायद हो सकता है थोड़ा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन हो आर्कियोलॉजी uh, को लेकर हिस्ट्री को लेकर Uh, जब हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं हम एसेंशियली uh, बात कर रहे हैं अपने पास्ट को जानने की uh, हम एसेंशियली बात कर रहे हैं कि हम फंड्स एलोकेट करेंगे एक्सकर्वेशन uh, के लिए जिससे हमारे पास्ट को हम और बेहतर तरीके से जान सकें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो एक टर्म का यूज करेंगे गड़े मुर्दे उखाड़ के क्या करोगे यहाँ तो लिटरली बरियल साइड से मिली है तो एक नेशन के फ्यूचर के लिए Uh, हमारे पास्ट को जानना uh, आर्क्योलॉजी के थ्रू वो भी एक्सकवेशंस करना ये क्यों इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में किसी भी कल्चर में किसी भी कम्युनिटी में हम अपने सिस्टर्स को जानने की कोशिश करते हैं और जब तक हम पास्ट को नहीं देखेंगे फ्यूचर को देख ही नहीं सकते पास्ट को जब आप देखेंगे तो भी फ्यूचर को देख पाएंगे तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको अपने पास्ट को जानना होगा उस समय की तकनीक को जानना होगा उस समय के नॉलेज सिस्टम को जानना होगा तभी हम पास्ट को समझ पाएंगे और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम हरपन कल्चर की बात करें तो उसमें राइट right एंगल्स का जो यूज़ है टाउन प्लानिंग का जैसे यूज़ है हाइजीन का जैसे यूज़ किया गया है आज आज हम मॉडर्न टाउन प्लानिंग में उसको अप्लाई कर रहे हैं है ना तो ये हम कहाँ से हमारा नॉलेज सिस्टम डेवलप हो रहा है है ना तो वो वो तो वहीं से आएगा जब तक आप पास्ट की तरफ नहीं देखेंगे तब तक आप फ्यूचर देख ही नहीं सकते अगर आप अपने फादर के नॉलेज को आप अपने बच्चों तक ट्रांसमिट नहीं करेंगे तब तक तो उसका नॉलेज कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकता है इसलिए ये जरूरी है कि पुरातत्व तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने पास्ट को अपने जेनेटिक्स को अपने रहन सहन को एक बहुत लंबे समय से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं समझने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं और फ्यूचर इनोवेशन के लिए फ्यूचर आइडिया के लिए भी ये बहुत ज़रूरी थे है। है और एक चीज़ और जैसा आप आप बहुत सारे इश्यूज आते हैं हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आ, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं हम इतने बड़े टेंपल्स क्यों बना रहे हैं हम टेंपल के लिए क्या ज़रूरत है इसके हॉस्पिटल क्यों नहीं बना रहे हैं ये क्यों नहीं कर रहे हैं उसकी समाज को क्या ज़रूरत है हमारे सामाजिक परिवेश में टेम्पल इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि वहां एक सामूहिक केंद्र होता था वो वहां आप हाँ शादी विवाह अगर ठीक करना है तो आप एक सार्वजनिक स्थान पे आपको जाना होगा और उसके लिए विटनेस क्या है गॉड है आपको अगर व्यापार करना है तो तो वहां जाके आप डील कर रहे हैं किसी राजा को धन रखना है वो भी वहां जाके रख रहा है व्यापारी लोग आ रहे हैं वो भी वहाँ आ रहे हैं तो एक ये पूरी कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट था और वो तब आप समझ पाएंगे जब उसके मूल में जाएंगे उसके कॉन्सेप्ट जाएंगे उसके यूज़ेस पे जाएंगे लेकिन आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में अगर आ, सोचने की कोशिश करेंगे तो अब का परिप्रेक्ष्य बदल चुका है अब आपके पास बड़े बड़े होटल्स हैं आपके पास आ, डिफरेंट आ, आ, चीज़ें हैं तो इसलिए पुरातत्व तो ज़रूरी है और अपने पास्ट को जानना जरूरी है और ये पूरी दुनिया अपने पास्ट को जानना चाहती है पूरी दुनिया अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानना चाहते हैं राइट ओके मैम आपका कोई ओपिनियन है इस चीज़ पे? हाँ बिल्कुल देखिए जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे हम उस नॉलेज को उस एक्सपीरियंस को हमने हम नहीं समझ पाएंगे जो हमारे एंसेस्टर्स ने इतने सालों से गैदर किया तो अचानक कहना कि ये करने से क्या होगा ऐसा नहीं है वो एक्सपीरियंस वो नॉलेज वो ज्ञान हमको तभी मिल सकता है जब हम अपने पास्ट में अदरवाइज तो हम हम कहेंगे कि हम नए सिरे से सब शुरू करेंगे ऐसा नहीं है राइट ओके सर मैम आई होप सो कि मैं जस्टिफाई कर पाया इस पॉडकास्ट को एंड uh, आपको मजा आया बात करने में आई आई मतलब गेसिंग कि ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिला होगा एंड uh, उनके लिए भी मैं जस्टिफाई कर पाया थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपने नॉलेज हम तक लाया बिकॉज यू आर टू ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्योलॉजिस्ट ऑफ माई जनरेशन तो आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला एंड दिस वॉज लाइक अ टाइम कैप्सूल मुझे टाइम ट्रैवल करने मिला आपके साथ सो थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू वेरी मच आप बॉम्बे से ट्रेवल करके यहाँ तक आए तो इट्स रियली और फिर हम शायद दिल्ली में मिलेंगे बिल्कुल बिल्कुल आई एम श्योर कि ऑडियंस की रिक्वेस्ट होगी कि पार्ट टू करिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो अब भी डिस्कस करनी है तो डेफिनेटली पार्ट टू होगा थैंक यू so और हम लोगों को बहुत मजा आया बहुत सारी ऐसी चीजें भी हमसे पहली बार किसी ने पूछी जो कि शायद हम दोनों के बीच में ही थी थैंक यू थैंक यू थैंक यू